चलिए चालू करते हैं। अभी तो बहुत लोग ज्वाइन कर गया, तो सबको गुड मॉर्निंग। और जो हम लोग हर संडे करते हैं वैसे ही मैं 2-3 संडे तो कर नहीं पाया। चलो अभी चालू करते हैं निफ्टी से, ठीक है ना? ओके सर। स्मॉल कैप का चार्ट खुला हुआ है, मैं निफ्टी का खोल लेता हूँ। निफ्टी का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट देखोगे तो मंथली चार्ट इस जगह पे एक फ्लैग ब्रेकआउट दिया था, उसको रिटेस्ट किया था। रिटेस्ट करके इधर जाके फिर से एक फ्लैग तो बन रहा है, ठीक है? तो अभी ये फ्लैग को तो ब्रेकआउट नहीं मिला अभी भी, ठीक है? तो भले ये महीने का कैंडल अभी भी बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन महीने अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। डेली चार्ट देखोगे, मेरा डेली चार्ट में तो बहुत सारे लाइनें हैं, मतलब बहुत सारे। अगर मैंने इस लाइन को लिया जो सबसे बड़ा है, ये 10 लाइन को देखो, इधर से ये चालू हुआ था, इधर सपोर्ट लिया था, इधर सपोर्ट लिया था, इधर लिया था, इस जगह पे इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन दिया था, ठीक है? तो उसके ऊपर देखेंगे एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न तो बना था, और उसके ऊपर इधर भी देखेंगे थोड़ा सा छोटा एक हेड एंड शोल्डर, तो उसको ब्रेक डाउन दिया था एक्चुअली, इसको ये रिटेस्ट किया। तो अभी इस जगह काफी कॉन्फ्यूजन इसलिए है, देखो इस जगह से अगर देखेंगे ये 10 लाइन को इसने ब्रेकआउट किया, तो अभी ये जो 10 लाइन को ब्रेक डाउन दिया उसको रिटेस्ट किया। और देखो इसे, ये 10 लाइन तो मेरा बहुत दिन से ड्रॉ किया हुआ है, इसको ही टच करके निफ्टी ने जो भी है वीकनेस दिखा रहा है। तो इधर भी इस दिन भी स्लाइटली माइनस में ही क्लोज हुआ, तो इसको टच करके, तो अभी क्या हो सकता है? देखो इस जगह पे इतना आसानी से शायद ब्रेकआउट नहीं देगा इसको, अगर 2-3 कैंडल ऐसा पास पास ले लेगा ऐसे ही मतलब देगा, तो लगेगा हम लोग कंफर्म हो जाएंगे हाँ इसको ब्रेकआउट देगा और इसके ऊपर ये चला जाएगा, ठीक है? तो अभी जो फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है कैसे हो सकता है, देखो इधर से थोड़ा वीकनेस दिखा के ये 18,400 के आसपास आएगा, ये जो सपोर्ट है इस जगह तक आएगा, ये शायद 18 मतलब 19,400, 19,400 के आसपास आके उसके बाद फिर से ऊपर जाके ये शायद ब्रेकआउट देगा फाइनली। तो अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डाउन 19,400 तक आ सकते हैं आके, मतलब उसके बाद ऊपर जाएगा। और दूसरा कंडीशन ऐसे हो सकता है इसे साइड बाय साइड जाके, तो इस वीक मेरे को शायद उतना ब्रेकआउट जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है? तो इसको उतना आसानी से इसने ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि देखो इसको बहुत बार टच करने के बाद इसको ब्रेक डाउन दिया था, ठीक है? ब्रेक डाउन देने के बाद इसको अभी रिटेस्ट कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करने के टाइम जैसे एक बार में उसको ब्रेक नहीं कर पाया, कितने बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम उसको ये टेस्ट करने के बाद, तो मेरे को नहीं लगता मतलब ये इतना, मतलब क्या कहते हैं, इतना आसान रेजिस्टेंस है जिसको ये ब्रेक करके इतना जल्दी ऊपर जा सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी इस जगह पे मैंने ये 2 10 लाइन के बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन शायद हो सकता है, और निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर चला है, तो अभी मैंने इसके लिए मतलब उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं, हाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ आ गया तो ऊपर चला गया बात अलग है, क्योंकि मार्केट में कभी भी कोई भी रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट किया था चलो ये जो 10 लाइन है इस जगह से 19,500 के बाद ये नीचे आएगा, तो फिलहाल इस लाइन को ब्रेकआउट दिया तो इतना नीचे आने का चांस अभी दिख नहीं रहा है, ठीक है? लेकिन ये मेरे को लग रहा है एक बार ये 10 लाइन को टच करके इसको जाके इधर थोड़ा कंसोलिडेशन करके, तो अभी इस ईयर में तो मेरे को 20,000 के ऊपर लग नहीं रहा है इसके लिए, ठीक है? तो एक है मेरा निफ्टी का जो भी आप चलो अभी बैंक निफ्टी देख लो, तो बैंक निफ्टी बहुत खराब है, बैंक निफ्टी क्योंकि मेरे को पता नहीं लग रहा है इतना खराब क्यों
ये देखो, कोई रीजन नहीं पता है मेरे को, आप लोगों को शायद कोई न्यूज व्यूज पता होगा, क्योंकि मैं न्यूज उतना फॉलो नहीं करता। कोई कुछ न्यूज है तो मेरे को अपडेट कर सकते हो आप लोग। देखो, बैंक निफ्टी 8 इनलाइन के ऊपर एक हिडन शोल्डर क्लियरली बनाया था। तो हिडन शोल्डर बनाने के बाद तो आप इधर भी देखोगे, एक हिडन शोल्डर जैसे बनाया था, तो इसको ब्रेक डाउन दिया। देखो एग्जैक्टली इसको रिटेस्ट करके थोड़ा सा ऊपर गया था, लेकिन नीचे आ रहा है। तो ठीक है, तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली जो ब्रेक डाउन पॉइंट है उसको क्रॉस, मतलब टच करके, रिटेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने इसको वीकली चार्ट पे कर देता हूँ। वीकली चार्ट पे भी देखूंगा तो इस जगह पे भी क्लियरली जो ब्रेक डाउन था उसको वो करके क्लियरिंग दे, मतलब इधर थोड़ा सा। तो उस केस में आपको इधर 42,000 और उसके बाद आपको और भी नीचे 40,000 तक आ सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर एकदम अच्छा लग नहीं रहा है। ठीक है, आप मंथली चार्ट पे भी देखोगे इस जगह से करके तो थोड़ा सा नीचे आने के चांस तो है, 40,800 तक। तो बहुत ज्यादा करेक्शन मेरे को निफ्टी के हिसाब से दिख नहीं रहा है, 19,400 19,300 मैक्सिमम तो। लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत ही खराब है। इस जगह पे आप देखोगे ब्रेकडाउन को रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी स्मॉल कैप का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए दादा वो आरबीआई का कुछ रेगुलेशन आया था लोन्स के लिए, हाँ, उसके लिए इफेक्ट किया है। क्या रेगुलेशन आया? मैं एक्चुअली न्यूज़ नहीं देखता हूँ, इसलिए मेरे को पता नहीं है। आप लोग कोई शेयर कर पाओगे तो मेरे लिए अच्छा है। दादा उसमें क्या किया है, रिस्क वेट ना बढ़ा दिया है। जैसे कि हम लोग पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, जो रिटेल एसेट वाला जो भी लोन होता है ना, पहले हम लोग वो उसके लिए हमको कैपिटल रखना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी के हिसाब से बैंक को कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जैसे पहले वो रिस्क उसका 100 था, अब उसका 125 कर दिया, 125 का 150 कर दिया, तो रिस्क वेट बढ़ा दिया है। मतलब कि बैंक को ज्यादा कैपिटल रखना पड़ेगा और उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा बैंक का फॉर रिटेल एसेट काइंड ऑफ लोन, क्योंकि तो उनको रिस्क लग रहा है आरबीआई को कि ये शायद से लोन्स खराब हो सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कैपिटल रखना चाहिए बैंक को, तो उसके लिए उन्होंने रिस्क वेट ज्यादा बढ़ा दिया है, अच्छा, तो लोन्स महंगे हो जाएंगे अभी। ठीक है, लेकिन अभी जो लगता है मेरे को बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगता है, क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन लास्ट 2 साल से खराब चल रहा था वो अभी 2 ईयर्स लो है, ऑलमोस्ट 3% में आ गया शायद, ऐसा कुछ है, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट तो कम पॉइंट टू हो थ्री रहा आया है, पॉइंट है। जीरो वन कम हुआ है, कितना आया? 3.23, 3.24 हाँ, था, तो अब मतलब जो 3.23। 8-9% में आपको सर जो चल रहा था 1 साल हाँ पहले, तो मतलब बहुत अच्छा लेवल पे आ गया है। अभी इंटरेस्ट कम होने का टाइम आया है। ठीक है, तो इस टाइम मार्केट उतना वो नहीं करते, शायद 1-1.5 महीना इधर उधर हो सकते हैं। तो जो भी है, मतलब ओवरऑल दोनों का स्ट्रक्चर, निफ्टी भी एक जो लाइन पे ब्रेक डाउन दिया था उस लाइन को रिटेस्ट कर रहे हैं, बैंक निफ्टी भी रिटेस्ट कर रहे हैं। अभी देखते हैं इस वीक क्या चल रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे डिपेंड करेगा। ओवरऑल दोनों चार्ट, निफ्टी का थोड़ा तो स्ट्रांग है, उसका नहीं है, लेकिन निफ्टी का भी उस जगह पे जिस जगह से मतलब ब्रेक डाउन दिया था उसको ही रिटेस्ट कर रहा है, रिटेस्ट करके वीक पर आए। ठीक है, तो इस वीक अगर थोड़ा सा डाउन आए तो मेरे को इस वीक मतलब उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कुछ न्यूज आए तो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज आप अगर स्मॉल कैप भी देखोगे, स्मॉल कैप बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, और पहले स्मॉल कैप भी बहुत पॉजिटिव है, जैसे ये 10 लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर गया। ठीक है, आप मंथली चार्ट से देखोगे, मंथली चार्ट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है स्मॉल कैप, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया एक चीज, एक पैटर्न जो बनता है ना, जैसे इधर से देखो, आप लोग बताना मैं कौन सा पैटर्न के बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखो इधर से देखो, ठीक है, इधर ये कौन सा लो था, 32,200। ठीक है, तो इस जगह तक जब आया ये कितना ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास। हाँ ना, तो हाँ, 32,200 से 6,000 कितना होता है आपको, 2,800 है ना। यस यस, तो हाँ इस जगह पे एक डोजी बनाता है, तो डोजी के बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये जो मूव होता है ना उतना मूव डोजी के बाद होता है। ठीक है, तो देखो इस जगह से कितना मूव था, 5,700 से डोजी के ऊपर तक,
कितना हुआ? 28 28 103,000 के करीब हुआ। 2400 नहीं, 5700 से परसेंट ऑलमोस्ट। 18,000, ऑलमोस्ट 2800 का। ये जो मूव, अच्छा देखो सेम लेन का मूव बना ना, बना है या नहीं बना है? तो अभी फिर से इससे देख लो, अभी फिर से ये दोजी के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बना, तो इधर से आप मूव देख लो, इधर से ऊपर तक आपको इधर तक कितना था, तो 18,000, मतलब इधर से आप देखोगे 8,000 8,000 से इधर ऑलमोस्ट वही 4,000 3,500। तो लेकिन ये इधर तक, ये रेड कैंडल तक आप अगर देखोगे, ये रेड कैंडल तक देख लो, ऑलमोस्ट वैसे ही 2700 800 का मूव बना ना, हाँ जी। उसके बाद कंसोलिडेशन चालू हुआ। तो इधर आप देखोगे तो इधर ये लोएस्ट पॉइंट कितना है, 8,000। 8,700 तो इधर हाईएस्ट पॉइंट 2800 और ऐड कर लेना है वैसे तो। नहीं, 2800 नहीं, इधर कितना है, 88,700 हाँ से जी। इधर तक। ये जो लेंथ होता है ना, मैंने वो नहीं बोल रहा हूँ 2800 का, मैं ये बोल रहा हूँ जो एक मूव होता है, मूव के बाद दोजी होता है, तो दोजी के बाद ग्रीन कैंडल होता है, तो सेम लेंथ का मूव फिर से मिलता है। ओके 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 मैं 2800 नहीं बोल रहा हूँ। तो इधर ओके देखो क्या हुआ था, इधर से इधर तक 2800 का मूव हुआ था, तो दोजी के बाद ग्रीन कैंडल फिर से इधर तक 2800 3,000 का मूव हुआ था, तो दोजी जी के बाद ग्रीन कैंडल फिर से हुई 2800 का मूव हुआ था। मतलब क्या है, ये जी सेम लेंथ का मूव मिलता है। तो इधर आप देख लो, ओके इधर से कितने का है, 8,700 से लेके इधर जी कितने हैं, 13,000 13,000, 13,000 तो कितना हुआ है हुआ, 300, और जी। इधर 4,300, 4,300 4,300 4,300। तो उसके बाद एक दोजी बना ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इसके बाद एक ग्रीन दिख रहा है ना। देखो ये महीना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो हो सकता है इस महीने के एंड में तक एकदम नीचे आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो हाँ ये महीना अगर एक ग्रीन कैंडल इतना स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा, तो इस जगह से आपको दोजी का नीचे पोर्शन से तो 12,000 से और 4,000, इधर कितना था, 18,500, मतलब 16,300 तक जा सकता है। फोर थाउजेंड 4,300 इस पॉइंट से, तो मतलब 16,300 से, हंड्रेड तो जा ये सकता जाने का, तो मतलब भयंकर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ना। क्योंकि हाँ देखो जी एक बड़ा मूव के बाद एक थोड़ा सा दोजी आता है, उसके बाद सेम लेंथ का, इधर भी सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। और निफ्टी भी मतलब बहुत ही अच्छा एक ब्रेकअप, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स बहुत ही अच्छा ब्रेकअप। तो मेरे को जो लगता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कुछ भी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे जो भी है, तो स्मॉल कैप इंडेक्स उतना खराब नहीं लग रहा। हाँ, अभी इमीडिएटली क्या हो सकता है, देखो इमीडिएटली इस जगह पे थोड़ा सा वीक तो पड़ा है, थोड़ा सा वीक कैसे, जैसे इस जगह पे आप देखोगे गैप अप है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बहुत ऊपर नहीं जा पाया, कल भी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो शायद इस कैंडल नेक्स्ट कैंडल ऐसा हो सकता है, इधर एक रेड कैंडल बना के थोड़ा नीचे इसको रिटेस्ट करने आए, और तो थोड़ा सा इधर गैप भी एक दो है, तो गैप भी फिल करे, तो शायद 13,300 300 का, अगर 400 500 पॉइंट का एक करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स एग्जॉस्टेड थोड़ा लग रहा है, ये लास्ट 3 कैंडल देखोगे आप, इस दिन भी गैप अप देने के बाद भी बहुत ऊपर जा नहीं रहा था, सही है ना। जो भी गैप अप हुआ उसके नेक्स्ट दिन भी उतना ऊपर जा नहीं रहा था, कल तो एकदम ऊपर तो गया था, लेकिन मतलब एग्जॉस्टेड लग रहा था, जो कंटिन्यूअसली जितना ऊपर जा रहा है नीचे ही आ रहा है, तो स्मॉल कैप भी लग रहा है थोड़ा थक गया, तो लेकिन बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं इधर, क्योंकि बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट है। अब इधर एक स्ट्रक्चर देखोगे स्मॉल कैप इंडेक्स का, देखो एकदम जो इधर से चालू हुआ था ना, तो कहाँ पे रोका नहीं था, इस जगह पे एक फ्लैग जैसे बनाया, तो फ्लैग जैसे बनाया, देखो जो मंथली चार्ट पे आपको डोजी दिख रहा था ना, एक्चुअली इधर एक फ्लैग बनाया, तो फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो आपको फ्लैग का भी टारगेट वैसा होता है, लेकिन फ्लैग अभी तक रिटेस्ट नहीं हुआ, शायद फ्लैग को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है नीचे थोड़ा सा, ठीक है। तो उसमें डरने का कोई बात नहीं है, वो अगर ऐसा आए तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो जो स्टॉक मिस हुआ कुछ हुआ, देखो एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या होता है, चेस जैसे होता है, मैंने हमेशा बोला, जैसे यूनियन बैंक मैंने बोला था 92 93 का लेवल पे लेना है, देखो उसके बाद लगभग कितने 110 आ गया वो लेवल से। जैसे एनएलसी जो स्टॉक मैंने बोला था, हम लोग जब डिस्कस किया था 130 135, लेकिन मैंने बोला था 120 का रेंज अच्छा है, तो उसको रिटेस्ट करके देखो 160,
तो हमेशा जो लेवल है उसके लिए वेट करना पड़ता है। लोगों को लगता है उसमें स्टॉक मिस हो जाएगा, तो स्टॉक मिस हो रहा है, अगर कोई स्टॉक हाथ से जा रहा है जाने दो, तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा लेवल पे नहीं आएगा तो नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो हमेशा स्टॉक तो डिस्कस करके उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, वो डिस्कस करके रखना अच्छा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इमिडिएटली उसमें एंट्री कर जाए या तो कुछ भी ऐसा, समझे ना। जॉब अपॉर्चुनिटी आएगा तब भी ये करेक्शन जो छोटा छोटा होता है ना बुल मार्केट में, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। जैसे मेरे को जो भी इस मार्केट में मैंने क्या करता हूँ, देखो इस दिन मैंने थोड़ा बहुत कुछ लिया था एकदम लास्ट में, मैं देखता हूँ जिस दिन पोर्टफोलियो एकदम हाईएस्ट माइनस दिखाता है, जैसे इस दिन लगभग पोर्टफोलियो 4 to 5% माइनस दिखा रहा था, इस दिन भी दिखा रहा था, तो ठीक है। तो इस दिन तो मैंने तो क्लियर कट बोला था ग्रुप पे, ये जो इस जगह पे पहले ही मैंने ग्रुप पे बोला था कि इस दिन मैं लूंगा, सही है ना। उस जगह पे ग्रुप पे मैंने एक मैसेज भी डाला था, तो इस दिन अभी लेना है, तो वैसा ही है। तो मतलब बड़ा करेक्शन, बड़ा थोड़ा सा वो दिख रहा है बुल मार्केट में, तो उस दिन अपॉर्चुनिटी को एनहेंस करना है, तो इस दिन जिसने लिया उसके बाद बड़ा मूव आया ना, तो बात यही होता है। तो अभी मार्केट बहुत ही मतलब स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बुलिश है। तो अब देखो स्मॉल कैप में मार्केट का 99% स्टॉक स्मॉल कैप में ही कवर होता है, तो स्मॉल कैप चलता है तो पोर्टफोलियो में बेनिफिट आता है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ और मैं फॉलो भी यही करता हूँ। तो स्मॉल कैप बहुत ही ज्यादा बुलिश है, तो उतना डरने का कोई बात नहीं है स्मॉल कैप में, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा ये जो ब्रेकआउट है उसको रिटेस्ट कर सकता है, तो 13,200 मैक्सिमम, तो इसका ऐसा अगर आएगा तो हमारा जो अच्छा स्टॉक है उसको हम लोग एंट्री कर सकते हैं, तो डरने का कोई बात नहीं है इसमें, ये आएगा तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, तो पैसा इकट्ठा करके रखो उस जगह पे, हम लोग एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा सा इस जगह पे मेरा भी मिसकैलकुलेशन हुआ था, तो थोड़ा 2-4 दिन पहले मैंने सोचा था नीचे आएगा लेकिन स्ट्रेट ऊपर आएगा, तो इस बार भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मेरे को तो न्यू स्टॉक तब भी मैं एंट्री करता हूँ जब ऐसा एक करेक्शन जैसा दिखता है, ठीक है। तो आज के जैसे स्टॉक आज फटाफट करेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, आज मैच भी देखना है, और मैच देखने के पहले मेरे को एक बर्थडे का इन्विटेशन है वो भी अटेंड करना है, तो मैंने 11-10 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा इसको। तो चलो पहले जो स्टॉक है उस स्टॉक का कौन सा स्टॉक दिया था मैंने, मैंने सब शेयर किया था। हाँ स्विस मिलेट सर, स्विस मिलेट स्विस पे मिलिट्री, आईबीएल, उस स्विस मिलिट्री के कोड याद है किसी को? मेरे को कोई अगर कोड बता सकते हो तो, क्योंकि इसमें स्विस मिलिट्री नाम का आता नहीं है इसमें। चलो मैं देखता हूँ। 5235558, 523 558 स्विस मिलिट्री। देखो चार्ट अगर देखोगे आप तो इस जगह से आप अगर देखोगे जैसे 2009 इस जगह पे 2008, तो 2008 के बाद जो स्पाइक दिया था तो उसके नीचे ही अभी तक वो पड़ा था, ठीक है। तो 2008 से 2022 14 साल, तो उसको देखो मतलब उसको तो ब्रेकआउट दिया और बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम एक्शन, देखो वॉल्यूम दिखता ही नहीं था, इस जगह पे वॉल्यूम बहुत है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव कुछ बन रहा है। तो इस जगह पे ऊपर गया था लेकिन इसको ही रिटेस्ट किया फिर से करके फिर से ऊपर जा रहे हैं। इसको चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो इस जगह पे एक मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस जगह पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ब्रेक किया, ब्रेक करके इस जगह पे जो 1 साल से कंसोलिडेशन चल रहा था वो कंसोलिडेशन के ब्रेक करके ऊपर गया और उसको रिटेस्ट करके ऊपर जा रहे हैं। तो चार्ट तो बहुत ही बुलिश है, ठीक है। तो थोड़ा लेकिन ये क्या होता है, बहुत छोटा क्वांटिटी कंपनी है और थोड़ा टाइम भी लगता है इसमें, तो थोड़ा इसका वो देख लेता हूँ मेरे को कहाँ कहाँ पॉजिटिव दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो मैंने स्कीनर में अगर देखूंगा इसको मतलब ऑलरेडी 408 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी अच्छा है इसका, जो लास्ट मैंने इस क्लास से सीखा था रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत अच्छा है जो ऑलमोस्ट 11% के आसपास। तो इस जगह पे एक्चुअली मेरे को जो दिख रहा है ना, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे आप अगर बिफोर कोविड 5 करोड़ का ओनली सेल्स था
तो अभी 2022 में 56 करोड़, अभी लास्ट ईयर 122 का TTM में दिख रहा है आपको 154 करोड़। तो अभी मेरे को जो लग एक्चुअली ये स्विस मिलिट्री क्या होता है, इंडिया में डायरेक्ट उसका कोई मार्केटिंग या तो कोई स्टोर ये सब दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। स्विस मिलिट्री से फ्लाइट ऑन फ्लाइट या तो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग ये सब में थोड़ा सा दिखता था, बहुत अननोन ब्रांड है, लेकिन ब्रांड अच्छा है। जो लोग मतलब जो फ्लाइट में रेगुलरली मतलब यूज करते हैं सबको सबको पता है, देखा होगा स्विस मिलिट्री, तो मैंने भी वैसा ही देखा था फ्लाइट में। तो अभी मेरे को जो लग रहा है, देखो अभी दूसरा इसका एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, दो तीन इसका, तो एक तो डेप पूरा जीरो है, और आप अगर इस जगह पे आप अगर देखोगे प्रोमोटर में एक्चुअली प्रोमोटर स्टेक तो कम हुआ दिख रहा है, लेकिन जो मेन प्रोमोटर है वो कंटिन्यूअसली स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाया स्टेक, तो इसने शायद मेरे को जो लग रहा है इसमें ऐसा हो सकता है, एक्चुअली स्विस मिलिट्री का जो थोड़ा बहुत चलता है ना, अभी शायद एक कंपनी को टोटल इंडिया में ब्रांडिंग का लाइसेंस मिला, पहले ये जस्ट ओनली प्रोड्यूस करता था, तो अभी ब्रांडिंग का लाइसेंस भी मिला। तो बाहर एक्सेप्ट जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और मतलब क्या कहते हैं कॉर्पोरेट गिफ्टिंग और ऑन फ्लाइट सेल के बाहर भी इंडिया में इसने मार्केटिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टोर में भी स्विस मिलिट्री के मिल रहा है, तो यही रीजन है जो इस तरह का सेल्स बढ़ रहा है। बाकी ये मेरे को ये छोड़कर कुछ दिख नहीं रहा है। तो जो भी है जो जो कंपनी का अगर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर दिखता है तो वो बहुत ही अच्छा, जैसे पहले तो क्या होता था ये कंपनी का देखो और डायरेक्ट क्या, एक कंपनी का नाम स्विस मिलिट्री जस्ट अभी चेंज हुआ, पहले क्या था इसका क्या नेट वर्थ करके ऐसा करके कुछ नाम था इसका, तो जस्ट चेंज हुआ 1 साल हुआ। तो मेरे को लगता है इसको जो, और मैं पढ़ा भी था वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिल नहीं रहा है, जो स्विस मिलिट्री का बैंडिंग का लाइसेंस इंडिया में बैंडिंग का लाइसेंस इसको मिला हुआ है, तो इंडिया में जो भी मतलब बिकेगा मतलब स्विस मिलिट्री के बैंडिंग्स या तो स्टोर या तो कहाँ पर भी बिकेगा इस कंपनी के थ्रू से वो बेचे बिकेगा, और मार्केटिंग जो भी होगा उसके बदले में एक रॉयल्टी देना पड़ेगा स्विस मिलिट्री को। पहले सर जस्ट हमने ऐसे ही प्रोडक्शन करता था, लेकिन उसलिए इस कंपनी का पूरा नेम चेंज होके स्विस मिलिट्री हो गया। हाँ अभी इस कंपनी में मैंने बहुत दिन से मतलब बहुत दिन पहले से लिया हुआ है थोड़ा सा क्वांटिटी, मतलब 2000 इस जगह पे लगभग मैंने लिया था, ठीक है। तो बहुत अप डाउन चला, बीच में क्या हुआ इसका एक राइट इशू भी आया था, तो अभी वो राइट इशू में मैंने राइट इशू अप्लाई करना भूल गया था, मतलब उतना सीरियसली लिया नहीं था, पता नहीं अभी नंबर ऑफ स्टॉक भी नहीं बढ़ा लेकिन प्राइस भी कम हो गया उसका, तो अभी जो प्राइस का डिफरेंस हो मेरे को वापस आया या नहीं आया वो भी मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरा उसलिए पोर्टफोलियो में क्या होता था 1:1 राइट इशू दिया था, शायद 25 रुपीज के आसपास था उस टाइम, तो स्टॉक का प्राइस आधा हो गया था, लेकिन ये राइट इशू पेड राइट इशू था, मतलब आपको कुछ क्वांटिटी जैसे ये आपको 20-25 रुपया में चल रहा था, तो उस टाइम आपको 4 रुपये या 5 रुपये में राइट इशू ऐसा कुछ दिया था, मतलब 4 रुपये या 5 रुपये में आप ले सकते हो, तो मैंने अप्लाई किया नहीं था, तो मेरा प्राइस क्या आधा हो गया था उसलिए, तो जो भी है अच्छे इसमें मेरा बहुत ज्यादा था नहीं तो उसलिए मैं बच गया। तो इस कंपनी के ऐसे भी शायद ऐसे इसमें ऐसा होता है, आप अप्लाई नहीं करोगे तो जो प्राइस होता है वो वापस आता है, तो मेरा क्वांटिटी इतना ही कम था तो मैंने उसको उतना ज्यादा देखा नहीं, मतलब तो मेरे पास ओनली 1500 ही पड़ा था, मैं जस्ट देखने के लिए टोकन एंट्री किया था, तो ऐसा है मतलब मैंने 13 रुपीज में लिया था एक्चुअली। तो अभी आप लोग जो मेरे को जो ये लग रहा है ये जो स्विस मिलिट्री ये ब्रांड इंडिया में मिडिल क्लास भी बढ़ रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ये सब का बढ़ रहा है, और स्विस मिलिट्री एक अच्छा ब्रांड है, तो इसका एक थोड़ा फ्यूचर तो है, तो ये शायद इसका ब्रांडिंग का लाइसेंस मिला, इसका स्टोर भी बन सकता है, सब कुछ बन सकता है, तो थोड़ा क्वांटिटी हम लोग लेके देख सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा दिख रहा है, इसको ROC अच्छा बन रहा है, और प्रोमोटर भी थोड़ा जो मेन प्रोमोटर है वो भी बढ़ा रहा है, तो हर तरह से मेरे को तो अच्छा ही दिख रहा है, तो आप लोग अगर इसमें कुछ इनपुट दे सकते हैं तो मेरे लिए अच्छा है। कोई कुछ इनपुट दे सकते हैं इस कंपनी में? अच्छा हाँ बोलिए।
किसी का कोई इनपुट नहीं है। एक्चुअली क्लास तो डिस्कशन के लिए होता है, कोई मतलब 72 आदमी है ऑनलाइन, किसी ने इसको थोड़ा सा भी स्टडी नहीं किया। कोई तो कुछ बताओ मेरे को। मैंने इसके ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखे थे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे। तो हाँ इसके मतलब सेलिंग तो अच्छी है, सेल अच्छे हो रहे हैं, लेकिन जैसे रिव्यू इसके 2 स्टार हैं, बस इतना देखा था मैंने। लेकिन पता नहीं चला क्या बोल रहे हो आप। सेल्स तो बढ़िया है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। मैं भी सेलर हूँ फ्लिपकार्ट पे। तो फिर ये सेल्स तो अच्छा है इसका, लेकिन वो इसके ना रिव्यू अच्छे नहीं है प्रोडक्ट्स के अभी। हाँ थोड़ा सा क्या होता है धीरे धीरे उसका कस्टमर सर्विस वगैरह भी, जो कोई भी ब्रांड देखो पहले ये जो आप बोल रहे हो अमेजन में मिल रहे हैं, मैंने कभी देखा नहीं, तो एक बार देख लेते हैं अमेजन में क्या मिलता है, मैं बोल के देख लेता हूँ। तो मतलब यही मैं बोलना चाहता था, तो पहले क्या था वो वन प्लाइट और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के मतलब बाहर कुछ मिलता नहीं था, तो अभी अमेजन फ्लिपकार्ट में मिल रहा है मतलब। ये सबसे ज्यादा बैग्स आते हैं फिश मिलिट्री के बैग। हाँ ये अमेजन में बैग मिल रहा है इसका, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी किया, मतलब ऐसे नहीं सबको स्विस मिलिट्री के लिए एक जैसे वो नाम में ही कुछ है, लोग बोलते हैं हाँ अच्छा बैंड है, समझे नाम ना। सुन नाम मतलब कुछ अच्छा होगा, नाम बहुत यूनिक है इसका। देखो इसमें बैग मिल रहा है, टॉस मिल रहा है, मेनली बैग ही है। नहीं दादा सब है इसके अंदर, लिंगरी भी है, ब्रिफ भी है, लेटर। नहीं अमेजोन में मैं जो दिख रहा हूँ अभी, तो अमेजोन में आपको सिर्फ बैग ही दिख रहा है। अच्छा फ्लिपकार्ट पे इसके ब्लूटूथ हेडफोन भी है, और फ्लिपकार्ट में कुछ देखते हैं तब अगर। एक्चुअली भी है। हाँ यही होता है कोई कोई के साथ उसका कोलाबोरेशन रहता है, तो उसमें ही सब मिलता है। स्विस मिलिट्री सेल्स तो काफी अच्छा हुआ है इसका अभी फ्लिपकार्ट पे। स्विच मिल रहे, ट्रॉली है, बैग है, बेल्ट, टॉस, ये सभी दिख रहा है। हाँ ब्लूटूथ का भी है, सनग्लास भी है आपको सर इवन। ये बहुत अच्छा, काफी क्वालिटी ब्रांड है सर ये एक्चुअली। हाँ बहुत क्वालिटी ब्रांड है, तो मतलब ये वो मैंने देख लिया, मैंने सर साइट से एक बार एक बैग लिया था। मैं यूजली शिपिंग में हूँ, तो ये यूरोपियन साइड में इनकी सेल्स वगैरह काफी अच्छी है। मतलब ब्रांड एक माना हुआ है, जैसे बाकी ब्रांड चलते हैं ना वैसे ये उनका काफी रॉयल टाइप ऑफ ब्रांड है उनका, मतलब पैसे खर्चने वाला, मतलब अच्छा ब्रांड है सर। हाँ मेरे को भी एक बार गिफ्टिंग में एक बैग मिला था, बहुत अच्छा था। तो मैं यूएस ये तो में अभी हूँ, रुक तो मैं भी जब भी वॉलमार्ट वगैरह जाता हूँ तो स्विस मिलिट्री के काफी प्रोडक्ट्स दिखते हैं। और मैंने इनफैक्ट अभी विंटर में, विंटर स्टार्ट हुआ है, हम लोग अभी जब स्नो वगैरह में जाते हैं तो इनके हैंड ग्लव्स वगैरह काफी यूज किए हैं। दोज आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। इंडिया मार्केट पता नहीं मुझे कैसा है, बट लाइक आई वाज ड्राइविंग राइट नाउ, सो बीच में अनम्यूट नहीं इंडिया कर में एक्चुअली सकता। कोई स्टोर में आपको मिलेगा नहीं, अमेजन फ्लिपकार्ट में भी मिल रहा है अभी। मेरे को दो इस कंपनी में दो अपॉर्चुनिटी दिखता है। एक तो क्या हो रहा है अभी, सारे ब्रांडेड ब्रांड्स क्या कर रहे हैं इंडिया में, हाफ शिफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रेंड अभी चालू हो गया क्या है, इंडिया में मैन्युफैक्चर करके होल वर्ल्ड में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी में हम लोग देखा, जैसे मॉर्गेनाइट क्रूसिबल हो गया, आपको आर एच आई मैग्नेसिया हो गया, और भी बहुत सारे कंपनी हार्ड शिफ्टिंग। तो ऐसा भी हो सकता है इस कंपनी में इधर से मैन्युफैक्चरिंग करके पूरा वर्ल्ड में मार्केटिंग करे, ठीक है। तो उसके लिए वो अगर है तो शायद नाम नेम चेंजिंग के पीछे वो भी है, और दूसरा मकसद ये है इंडियन मार्केट में पूरा टोटली मतलब अवेलेबल करना चाहते हैं, तो इस कंपनी को लाइसेंसिंग दिया है, ठीक है। तो ये मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि उसके देखो सेल्स बढ़ रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल रहा है, और एक दो शायद स्टोर भी ओपन किया है ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो जो भी है मतलब जो अभी तक इतना वो चल रहा था क्योंकि उसको कोई प्लान नहीं था, तो अभी आफ्टर कोविड देखो ऑनलाइन मिलना चालू हो गया, और कंपनी में जैसे दूसरे तरह का ही होगा, जैसे कुछ भी एक्टिविटी था नहीं उधर से एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब अगर सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट देखोगे तब भी आपको मिलेगा वो चीज। तो मेरे को जो लगता है ये कंपनी में थोड़ा सा क्वांटिटी हम लोग, मैं तो खरीद के रखा है और भी मैं ऐड कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली, तो
ये शायद इन फ्यूचर बहुत बड़ा बन सकता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास बढ़ रहा है और इस ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का डिमांड भी बढ़ रहा है, लोगों को लगता है थोड़ा तो ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदना है, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है। बोलो और कोई कुछ ऐड करना चाहते हो सर? उनका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है दादा। जैसे उनके बैग है उसके अंदर GPS, स्मार्ट लॉक्स, वो सिस्टम दे रखे हैं उन्होंने, तो बाजार से कुछ मार्केट से हटके है वो। हाँ, मैंने वही बोल रहा था एक्चुअली, इंडिया में क्यों इतना दिन तक वो नहीं किया, इंडिया में क्योंकि मिडिल क्लास उतना ज्यादा था नहीं, ठीक है। हाँ तो अभी क्या मिडिल क्लास का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मिडिल क्लास, तो अभी नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में 50% के ऊपर मिडिल क्लास होने वाला है इंडिया में। तो मिडिल क्लास जब भी होता है ना, लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ जाता है, तो ये सब प्रोडक्ट का डिमांड तो बढ़ेगा, जो मतलब उसका एक सब्सिडी भी है दादा, 2021 में उन्होंने एक्वायर किया कुछ प्लान तो है, मेरे को बैलेंस शीट देख के दिख रहा है और प्रोडक्ट का अवेलेबिलिटी देख के भी दिख रहा है, तो मेरे पास पक्का कोई न्यूज अभी तक है नहीं कुछ, तो आप लोगों के पास भी कुछ हो तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को चार्ट के हिसाब से जो ये वॉल्यूम, मतलब अमेजिंग वॉल्यूम, ऐसा वॉल्यूम आता है तो चार्ट कभी फेल नहीं होता है, मेरे को तो इतना तो पता है, तो बहुत ही अमेजिंग वॉल्यूम है, और चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है और ब्रांड अच्छा है, नेम चेंज भी है, ये नेम चेंज एक पहले ही हुआ है। ये दादा इनर वियर के अंदर भी है दादा, इसका मेंस इनर वियर आता है ना वो भी। हाँ, रणदीप हुड्डा है इसका, वो ब्रांड एम्बेसडर। अच्छा, हाँ, राणा हुड्डा। रणदीप और रणदीप दादा रणदीप हुड्डा। ने 2020 में एक सब्सिडी भी मतलब बनाई है, एक्वायर की है कंपनी, हाँ और 2024 तक उन्होंने 3x का टारगेट रखा, मतलब नेक्स्ट ईयर पर 3x सेल्स बढ़ाने का टारगेट रखा है उन्होंने। हाँ ऑलरेडी तो हो गया ना, 3x से ज्यादा हो गया, देखो आप अगर देखोगे जो हम लोग देख रहा था, देखो 3 साल में मतलब कितना, जैसे बिफोर कोविड आप देखोगे 2019 में 5 करोड़ का, उधर से कुछ तो एक्टिविटी चालू हुआ, पहले ये 5 करोड़ की उधर कुछ एक्टिविटी था ही नहीं, वो थोड़ा बहुत जो अनप्लाई कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में, अभी मतलब इंडिया में ये एग्रेसिवली कर रहा है कुछ, अभी हाँ, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जैसे जब इस तरह का सेल्स बढ़ता है ना तब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आता नहीं है, क्योंकि एक्सपेंशन ये सब में खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो बैलेंस शीट में दिख रहा है कुछ एक्टिविटी तो चालू हुआ। हाँ बताया, क्लियर बताया, एनुअल रिपोर्ट में क्लियर बताया हुआ है दादा। और लोकल शॉप और मॉल के अंदर वो प्रोडक्ट सप्लाई करने को कुछ ऐसा बता रहा है उसके अंदर के हम करने जा रहे हैं, उनको इंडिया के अंदर रिटेल मार्केट के अंदर जा रहे हैं, ऐसे कुछ बोल रहा है वो। और दूसरी बात, पहले एक चीज तो पूरा मेरे को जो कंफर्म मालूम है, जो पहले क्या था, स्विस मिलिट्री के हाथ में ही था बैंडिंग्स, ठीक है, स्विस मिलिट्री एक कंपनी से जॉब वर्क कराता था, लेकिन अभी ये कंपनी को इंडिया में मार्केटिंग का जो बैंडिंग राइट्स है वो मिल गया, ठीक है। तो मतलब ये जो भी इंडिया में प्रोमोटिंग बैंडिंग्स और सेलिंग ईच एंड एवरीथिंग होगा सबका इस कंपनी का, ये कंपनी करेगा, और लेकिन स्विस मिलिट्री कुछ रॉयल्टी लेगा बैंड्स को, जो एक्चुअली क्या है रेंट पे दिया बैंड को, सोच लो जैसे एरो हो गया, एरो को क्या है अरविंद के पास उसका राइट्स है, जैसे वो गारमेंट का एक बैंड है ना एरो, यूएस में बहुत पॉपुलर है, तो वो उसका बैंडिंग राइट्स अरविंद के पास है, ऐसा बहुत सारे कंपनी के पास होता है ऐसा, मतलब इंडिया में वही कंपनी सब कुछ करेगा, उसको बेचेगा, उसका जो प्रॉफिट होगा सब कुछ लेगा, लेकिन उसको एक रॉयल्टी देना पड़ता है, तो अभी वो बेसिस पे काम कर रहा है ये कंपनी, तो ये कंपनी एग्रेसिवली सब, जैसे आपने बोला शॉपिंग मॉल पे मिलेगा और बहुत सारे ऑनलाइन मिल रहा है, तो ऐसा होगा तो ये कंपनी का तो मेरे को फ्यूचर दिखता है, इनफैक्ट कुछ नहीं तो बैलेंस शीट से दिखता है, तो मेरा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके ऊपर, तो मैंने उस लिए धीरे 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 इसको बढ़ा रहा हूँ, मेरा जो भी होल्डिंग है फुल कर लूंगा मैंने उसको, तो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऐसा कंपनी में मतलब करके भूल जाना अच्छा है, 4-5 साल में शायद इतना वो रिवॉर्ड देगा, जैसे आप लोगों को मैंने बोला था ना एक BLS इंटरनेशनल, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा क्वांटिटी लिया था, बहुत ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट भी बुक कर लिया था, लेकिन जो फ्री स्टॉक पड़ा था वो अभी 40 टाइम्स हो गया, आप लोगों को दिखाया था एक दिन, स्क्रीनशॉट दिया था, बहुत कम क्वांटिटी पड़ा है लेकिन तब भी वो 40, तो इस तरह का शायद हो सकता है, अगर ये अगर एग्रेसिवली बैंडिंग्स करे इंडिया में और बैंड अवेलेबिलिटी बढ़ जाए तो इसको भी हो सकता है, तो
ठीक है, जो होगा देखेंगे, थोड़ा सा क्वांटिटी में कुछ आते जाता नहीं है किसी को। सर ये जो सब्सिडियरी एक्वायर किए है ना सर, ये हाँ ट्रिपल ए शेनयांग कंटेनर सील प्राइवेट लिमिटेड, ये सब्सिडियरी एक्वायर किए है सर हाँ अभी। सो मतलब, और ये जो कंटेनर सील प्राइवेट लिमिटेड ये जो कंपनी है सर, ये एक्चुअली सर RFID बेस्ड जो कंटेनर में जो सील लगते हैं उसमें काम करती है सर। अच्छा तो ये जो मतलब अभी ये जो अभी RFID जो सील है सर, मतलब कंटेनर में लगने के लिए, ये अभी मतलब ग्रोविंग स्टेज में है सर अभी। हाँ तो मतलब ये अभी चल रहा है सर, मतलब इनकी सब्सिडी है, इसकी वजह से मतलब ये RFID सील अगर कार्गो, मतलब जो कार्गो कंटेनर रहेंगे उनको लगाएंगे तो मतलब इनका बिजनेस ग्रो होगा सर। उसमें क्या है सर, कार्गो में ऑटोमेशन और मतलब टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ेगा, ऑटोमेशन उसमें होगा, मतलब जो कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है उसमें, तो उसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट होगा सर। यस, तो RFID का अगर ये सब्सिडी लिया वो बहुत ही पॉजिटिव बात है, क्योंकि हाँ मतलब लॉजिस्टिक कंटेनर लॉजिस्टिक का ऑटोमेशन और कार्गो ट्रैकिंग डिजिटलाइजेशन हो जाएगा सब, तो उसमें कार्गो इसको बहुत ट्रैकिंग बड़ा फायदा। डिजिटलाइजेशन ऑलरेडी हो गया है, जो भी हाँ मैंने उसके बाद थोड़ा सा स्टडी किया, तो ऑलमोस्ट अभी इंडिया हाँ में 99% जो भी कार्गो है डिजिटल डिजिटल ही जाता है। हाँ लेकिन सर इन्होंने जो कंपनी एक्वायर्ड की है वो मतलब ए शेनयांग कंटेनर सिल प्राइवेट लिमिटेड, ये हाँ, वो पर्टिकुलरली कॉन्टिन्यूस इनके उसको जो सप्लाई करेगा, क्योंकि सप्लाई, अभी विदाउट हाँ डिजिटल तो होता नहीं है, तो उसको जरूरत है ही। तो हाँ सर, हाँ सर यही कहना था ये मैं। भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल लाइक अच्छा ब्रांड्स है इसके पास, ठीक है, तो अच्छा इंडिया में जिसका ग्रोथ अच्छा हो सकता है, क्वाल प्रोडक्ट अच्छा है, तो और इसको लाइसेंसिंग मिला है, और इंडिया में प्रोडक्ट जो 3-4 साल पहले जो प्रोडक्ट कहाँ पर भी नहीं मिलता है, अभी ऑनलाइन मिल रहा है और आपको मॉल वगैरह में मिल रहा है, तो धीरे धीरे इसका अपना भी स्टोर हो सकता है। जो भी है थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके हम लोग लग सकते हैं, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। तो चलो, दूसरा कंपनी कौन सा बोला था, इंद्रानी बायो शायद। इसका कोड किसी को मालूम है? फाइव टू सिक्स फोर फोर फाइव, 5 2 6 4 4 5, 5 2 6 4 4 5। चार्ट दिख रहे हैं? हाँ सर, मंथली चार्ट देखोगे तो ये भी मेरा, आप लोगों सबको पता है मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट। तो इस जगह पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 94 से जो लेवल पे था, तो वही लेवल को 2022 में ब्रेक किया। इधर भी वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम एक्टिविटी, एक्चुअली कोई भी कंपनी में ना कुछ हो रहा है तो ये वॉल्यूम एक्टिविटी से हमेशा पता चलता है, ठीक है। और इससे एक बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बुलेट जैसे मूव दिया। उसके बाद मैंने वो बोला, हमेशा आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ, बुलेट मूव के पीछे मत भागो, उसको कंसोलिडेशन होने दो थोड़ा सा। वो नीचे जाने के बाद जैसे हम लोग देखा ना BSE का, मैं BSE जब बोला था इधर से 10 टाइम्स हो सकता है, कोई माना था? मैं बोला था ना 500 का लेवल पे, लेकिन देखो हाँ आज सर, आज के दिन में 5 टाइम्स हो गया था ना, सेम स्ट्रक्चर था ना BSE में भी। तो वो थोड़ा सा मे भी कोई स्टॉक ज्यादा टाइम लेगा, लेकिन जब चलेगा भाग नहीं रख सकते हो। तो जैसे यही सेम हुआ, और भी बहुत सारे स्टॉक है मतलब आपको मेरे को बोलने के। तो आप इधर देखोगे वीकली चार्ट पे, देखो एक ए 10 लाइन ब्रेकआउट दिया, उसको रिटेस्ट किया, तो इस जगह पे मैंने थोड़ा 55 के लेवल पे थोड़ा सा लिया इस जगह पे, जब इसको रिटेस्ट कर रहा था 1-2 वीक पहले, और मेरा क्लाइंट ग्रुप पे भी मैंने दिया था। तो ये देखो स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी, आप अगर देखोगे तो वीकली चार्ट पे, और इस ये पॉइंट के ऊपर जाएगा तो एकदम कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो लेकिन ओवरऑल ये जो मतलब 10 लाइन ब्रेक किया उसको, और इस जगह पे वॉल्यूम भी है अच्छा खासा, देखो वीकली बेसिस पे अच्छा वॉल्यूम है, पर्टिकुलरली लास्ट 2 डेज बहुत अच्छा वॉल्यूम है, और वीकली बेसिस पे भी आप देखोगे अच्छा वॉल्यूम है। तो ये क्या होता है, जो इसको ब्रेकआउट के बाद जो एक टेम्पोरारी डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो ये 10 लाइन ब्रेकआउट के साथ वो कंफर्मेशन हो गया, वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया। चलो अभी मैंने इसमें आप लोगों को स्टडी करने के लिए दिया था, कोई स्टडी किया इसको, क्या बिजनेस है?
पहले आप लोग तो बताओ, उसके बाद मैं समराइज करके बताऊंगा। कोई नहीं, स्टडी किया। देखो आप लोगों के लिए तो मैं कमा नहीं सकता हूँ ना, आप लोग अगर नहीं करोगे तो मतलब आप लोग स्टडी नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। ये कंपनी भी आप देखोगे पहले बैलेंस शीट में देखो, ये आली कुछ दिख रहा है? सेल्स हाँ नेगेटिव चल रहा है प्रॉफिट। देखो, अचानक से 2022 में भी देखूंगा तो जो स्ट्रक्चर था देखो उधर से 3 टाइम्स हो गया, और वो जगह पे कभी नहीं थे। 2020 का 2012 बीच में तो कुछ था ही नहीं, है ही नहीं इधर तो। एक्चुअली इधर के दिख नहीं रहा है। 2022 से ऐसा क्या हुआ, जितना बड़ा तो मैंने थोड़ा देखा, उसका क्या हुआ, बहुत सारे सब्सिडियरी था जो अलग अलग बिजनेस करते रहता था। तो 2022 में ये क्या किया, सारे सब्सिडियरी को इकट्ठा कर दिया और एक ही ग्रुप के अंदर लेकर आ गया, ये लिस्टिंग कंपनी जो इंद्रनी बायो। तो इसको अगर देखोगे बिजनेस बहुत सारे हैं, मतलब एक तो फूड सप्लाई का बिजनेस है, मतलब जैसे आपको रेस्टोरेंट हो गया और कैटरिंग सर्विस हो गया, तो इसमें इंडिया के 20 स्टेट में कैटरिंग सर्विस में है, और पर डे मतलब 50,000 प्लेट इसने बना सकता है। ठीक है, जैसे दूसरे कॉर्पोरेट में होता है ना, जैसे वो मतलब सोचो लंच का ऑर्डर दे देते किसी को, तो इस तरह का इसका बिजनेस है, लंच का ऑर्डर। और इसका अपना भी मतलब आउटलेट्स होता है, नल्ला सप्पू करके कुछ है, साउथ में बहुत पॉपुलर है सुनने में आया। तो ऐसा है, मतलब अपना स्टोर भी है जिस, और 50,000 प्लेट इसके पास, 3-4 सेंट्रल किचन है और ऑन साइट सेंट्रल किचन भी है। तो इसका बिजनेस जो है मेनली कैटरिंग का है। ठीक है, तो कैटरिंग का बिजनेस है, और उसके साथ एक क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर बनाता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, जैसे आज के दिन में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप कोई फार्मिंग करेगा तो उसमें एक केमिकल जो पेस्टिसाइड हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर हो गया, ये सब यूज नहीं कर सकते, सिंथेटिक जो भी है, तो उसको मतलब बायो जो प्रोडक्ट है, बायो फर्टिलाइजर, ये सब भी यूज करना पड़ेगा। तो ये बायो फर्टिलाइजर बनाता है, जो चीज को मेरे को जो लगता है, जो ऑर्गेनिक का जो प्रोडक्ट्स है उसका डिमांड बढ़ रहा है, ऑर्गेनिक का फार्मिंग बढ़ रहा है, तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब जो बनाता है वो कुछ ही सब मतलब कंपनी है जो बायो फर्टिलाइजर बनाता है। तो वो एक है। दूसरा ये क्या करता है, ये फार्मिंग भी करते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग, जैसे कुछ इसका अपना लैंड है और मतलब बाकी कुछ फार्मिंग फार्मर से लीजिंग पे लिया, तो 70-80 एकर्स जमीन पे इसमें कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं। और कॉर्पोरेट इसमें जो देखो अभी क्या है, देखो एकदम एक चेन बन रहा है। कैसे बन रहा है, इसके पहले तो बात है जो फर्टिलाइजर बन रहा है वो इसका फार्मिंग में यूज होता है, उसके बाद जो बचता है बाहर बेचता है। तो फार्मिंग में जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ बेचता है, इसका खुद का कैटरिंग का बिजनेस है, हर रोज 50,000 प्लेट का खाना बन रहा है। ठीक है, तो उधर इसका जो सब्जी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग होता है उधर ही कंज्यूम हो जाता है। तो एक पूरा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इसका, जो भी मतलब कैटरिंग का बिजनेस है, बैकवर्ड फूड चेन है उसका, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। दूसरा इसका बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीज कैसा है, जैसे यूपीएस, इंडस्ट्रियल यूपीएस हो गया, उसके बाद इंडस्ट्री में बैटरी हो गया, इंडस्ट्रियल बैटरी मतलब यूपीएस, ये सब इसने बनाता है। और आपको ऑटोमेशन कुछ है, जैसे मैं देख रहा था लिफ्ट में, जैसे ऑटोमेटिक रेस्क्यू, लिफ्ट कहाँ पे बंद हो गया ऑटोमेटिक, वो क्या होता है थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आके ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो ये सब जो ऑटोमेशन है इसके ऊपर काम करता है। और इसका मेंटेनेंस एक एएमसी होता है, मेंटेनेंस होता है इससे भी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका इतना अच्छा है, जो इंडियन नेवी को, इंडियन नेवी में जो सबमरीन है ना उसमें को भी ये यूपीएस बैटरी सप्लाई देता है, और इंडियन नेवी से बहुत अच्छा रिमार्क्स भी इसको मिला। ठीक है, तो डीआरडीओ के साथ, इसरो के साथ भी इसका वही बैटरी यूपीएस ये सब लेके कोलाबोरेशन है इसको थोड़ा। तो ये डिवीजन जो है, ये डिवीजन मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने 2-3 जगह से उसको स्टडी किया। आप अगर ये मैंने कल ही देख रहा था, मतलब एक कंपनी है, इसका कोई बिजनेस इसने छोड़ा नहीं, ऐसा एक कंपनी है।
कॉस्मेटिक स्टोर भी है दादा इसके। अच्छा इसको एक सब्सिडरीज है हेलिस सॉल्यूशन, इसमें देखो इस जगह पे रिकॉग्नाइज अप्रिशिएटेड फॉर टेक्निकल एक्सीलेंस टुवर्ड बिल्डिंग एंड सप्लाई ऑफ पायरो कंट्रोल कंसोल फॉर द सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी इन इंडिया इसरो। तो इसरो एंड डीआरडीओ जो सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी है उसको पायरो कंट्रोल बोल के कुछ मेरे को पता नहीं क्या होता है जो भी है, उसके सक्सेसफुली यूनिक पावर सप्लाई ऑफ 2x25 kV सबमरीन एंड इट वाज अप्रिशिएटेड बाय इंडियन नेवी। तो मतलब इंडिया का जो मेक इन इंडिया वो चल रहा है, इसका जो एलिस सॉल्यूशन है ये मतलब अच्छा अप्रिशिएट हो रहा है इसरो डीआरडीओ से। इसका प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसका प्रोडक्ट सर्विसेज का काम होता है, तो ये इसके लिए जैसे आप अपोलो माइक्रो सिस्टम के मैंने बोला उसके सिर्फ एक ही होता लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्चिंग पैड का, उसका प्रोडक्शन चालू कर रहे। देखो अभी उसका कहाँ चला गया अपोलो माइक्रो सिस्टम, सही है ना? ये छोटा छोटा चीज जैसे मैंने बोला इतने दिन तो काम तो करता था, अभी उसका क्या वो प्रोडक्शन चालू हो रहा है इंडिया में, तो वो चीज अभी अब देखो कितना अप्रिसिएट हो गया। वो तो हम लोग कितना 64 या तो 66 ये सब में वो किया था, अभी ऑलमोस्ट 150 हो गया सिर्फ 2-3 वीक की बात है। तो ये सब चीज फील्ड में जो है ना अभी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में उसको शायद बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन इमिडिएटली मिल सकता है, ठीक है? तो उसके बाद ये जो बायो फर्टिलाइजर का बात कर रहा था मैंने, उसके बाद एग्री सॉल्यूशन जो इसने मैं बोला जो लैंड लैंडिंग पे लेके कॉर्पोरेट फार्मिंग करते हैं, ठीक है? उसके बाद ये थोड़ा सा रियल स्टेट में भी है। उसके बाद ये एक बॉयलर तैयार कर भी कंपनी मतलब एक मैट्रिक्स करके मैट्रिक्स बॉयलर्स प्राइवेट लिमिटेड करके इसका एक सब्सिडियरी है जो एक कोई कंपनी के साथ कोलाबोरेशन में ये बॉयलर बनाते हैं। पूरा इंडिया में 1500 के ऊपर इसने ऑलरेडी बॉयलर बनाया और उसका मेंटेनेंस उसका एएमसी सब कुछ इसके पास है, ठीक है? और दूसरा जो इसका एक अभी जैसे मैंने देख रहा था एक जगह पे 2-3 डेयरी कंपनी के साथ भी इसका कोलाबोरेशन हुआ, ये जो एंड न्यूट्रिका करके एक मिल्क बेस प्रोडक्ट ये बनाता है न्यूट्रिशन के लिए, तो वो प्रोडक्ट ये बना रहा है, ठीक है? बना रहा है और उसका मार्केटिंग कर रहा है। और तीसरा इसका जो है ना अभी हेल्थ केयर में भी इसमें कैसे है, जैसे सोचो हेल्थ केयर में कैसे है, जैसे एक अर्बन हॉस्पिटल है जिसमें फैसिलिटी उतना ज्यादा नहीं है, तो ये गवर्नमेंट से क्या कर रहा है उसको लीजिंग पे ले रहा है और उसमें सारे फैसिलिटी वो बना रहा है, बना के उसको मतलब उसको क्या कहते हैं मतलब उसमें सारे हर तरह का फैसिलिटी मिल रहा है, थोड़ा सा प्राइस ले रहा है लेकिन वो अर्बन में ऐसा बना रहा है, ऐसा बहुत सारे बनाया है। उसके बाद इमरजेंसी क्लिनिक स्पेशलिटी क्लिनिक और भी बहुत सारे मतलब इससे किया है। तो ये सब जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज होता है ना आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, जैसे इधर देखो पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैंने उसलिए मतलब इसको शेयर किया था। तो ये अर्बन पे जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको प्राइवेट मेडिकल फैसिलिटी या तो गवर्नमेंट फैसिलिटी रेंट पे जिधर कुछ भी फैसिलिटी नहीं मिल रहा है उसको गवर्नमेंट से लीज में लेके उधर ये अर्बन पे मतलब हेल्थ केयर पे ये कर रहा है, ठीक है? आईबीएल हेल्थ केयर। और इसके बाद जो आपका वो क्या कहते हैं जैसे कुछ डाइट वाला उसको क्या कहते हैं जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे डाबोर हो गया पतंजलि हो गया ना, जिसे जिस तरह का प्रोडक्ट रहता है ये थोड़ा सा हर्बल बेस्ड, तो वो भी एक इसका डिवीजन वो है जे हेल्दी इंडिया। ये क्या होता है आपको एफएमसीजी टाइप का इसका प्रोडक्ट है, वो बिजनेस भी इसके पास है। तो एक कंपनी है आप देखोगे जो कैटरिंग पे है उसका फर्टिलाइजर बना रहा है बायो फर्टिलाइजर, उसके बाद कॉर्पोरेट फार्मिंग, उसके बाद एफएमसीजी, उसके बाद हेल्थ केयर, ईच एंड एक भी सेक्टर में, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी है। तो इसका इतने सारे बिजनेस है और जो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था लेकिन लास्ट 2-3 साल से दिख रहा है हर एक चीज में मतलब हर एक सेगमेंट में थोड़ा थोड़ा करके उसका बढ़ रहा है सब कुछ, और वो बैलेंस शीट में भी दिख रहा है, ठीक है? तो ये कंपनी में क्या होता है इसमें दो तीन इसका और एक मतलब मैंने देख रहा था सब्सिडियरी है इधर वो है नहीं, ये क्या होता है ऐप बेस्ड जो लोग जो स्टार्टअप्स होता है ना उन लोगों को भी हेल्प करते हैं, मतलब उसका मार्केटिंग करते हैं ईच एंड एवरीथिंग में मार्केटिंग करते हैं, उसका साइट बना देते हैं, उसको एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म देते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे ग्रो होगा वो भी हेल्प करते हैं। तो इसको देखो दो बहुत सारे बिजनेस है, उसका एफएमसीजी भी है हेल्थ केयर है जो मतलब अभी के दिन में बहुत बढ़ रहा है। एक्चुअली क्या होता है जैसे एक ही बात है जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा तो एफएमसीजी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, मानो आदमी थोड़ा
मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, तो ये जो जैसे पतंजलि डाबोर का बनने का वो है, इसके उस तरह का भी एक डिवीजन है, ये जो हेल्दी प्रोडक्ट्स का डिवीजन है। तो उसके बाद जो अर्बन हेल्थ केयर में इसमें काम कर रहे हैं उसको भी ग्रोथ बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि अर्बन जो पीपल है उसके पास अभी मतलब पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है अभी, ठीक है। तो उसके बाद मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ईच एंड एवरीथिंग में मतलब जो भी बिजनेस है ना, एक नया है और लास्ट 2-3 साल से लग रहा है इसमें थोड़ा सा ग्रोथ तो दिख रहा है, तो उसके साथ चार्ट स्ट्रक्चर अलग है। तो मेरे को ये कंपनी थोड़ा सा अलग तरह का दिख रहा है, थोड़ा सा अभी मैं बैलेंस शीट भी देखूंगा, तो इस जगह पे भी क्या है। ओहो, मैंने इसको ही खोल के बैठा था इस जगह पे, ये जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था, इसमें आप पढ़ोगे ना हर चीज आपको मिल जाएगा। के 3 हॉस्पिटल है दादा, 3 हॉस्पिटल है, चेन्नई, तिरुवन्नामलाई और दो चेन्नई के अंदर है दादा। एक तो तिरुवन्नामलाई एक डिस्ट्रिक्ट है चेन्नई, ये तमिलनाडु के अंदर, उसके अंदर आई केयर क्लिनिक लगा के रखा है उसने, कौन सा क्लिनिक लगा के आई केयर हॉस्पिटल है। रखा है? एक्चुअली उधर वासन आई केयर करके भी पुराना था, वो एनसीएलटी में था, उसको भी उसने एक्वायर किया है, वासन आई केयर को। अच्छा हाँ सर, ये और कोई न्यूज़ है ना, मेरे साथ शेयर करो तो मेरे लिए मेरा मेहनत कम हो जाता है। ये मल्टी बिजनेसेस है दादा, और एक ये इन्वेस्टमेंट भी कंपनी भी, आपने जैसे बताया स्टार्टअप और उसके अंदर पैसा डालता है, वैसे जैसे अपन एलन स्कॉट के बारे में बात किया वैसा भी है, वो वेंचर फंड चलाता है। अच्छा, एक्चुअली मल्टी बिजनेस स्टार्टअप टाइप का। जो जो कंपनी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको क्या भले 100 में इन्वेस्ट करिए, एक क्लिक कर दिया था, जैसे आपको Naukri.com देखोगे उसका एक ही क्लिक कर गया जोमाटो, तो वो उसको कितना बना दिया, पैसा दिया, 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, उसको 45,000 करोड़ दिया था। तो स्टार्टअप में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कब क्लिक कर जाएगा कोई बता नहीं सकते। जो भी है, आपको बोल रहा था ना चेन्नई के जो हॉस्पिटल, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए मेरे को, किसी ने बता रहा था ना 3 हॉस्पिटल को एक्वायर किया। हाँ हाँ दादा, हाँ बोलिए थोड़ा सा। ये उसी के अंदर बताया दादा, एक तो तिरुवन्नामलाई के अंदर आईबीएल आई केयर क्लिनिक के चलाता है, और चेन्नई के अंदर नलम मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक भी है उसका, और चेन्नई के अंदर एक लिफ्यूज हेयर एंड स्किन क्लिनिक भी है, और जो इसका हेल्थ केयर सब्सिडी है, हेल्थ केयर उसके अंदर भी, उसके अंदर 7-8 सब्सिडी बना के रखा है दादा, अलग हाँ अलग हाँ तरह की। उसके अंदर क्या क्या मिल है? एक मैं शेयर करूंगा दादा आपको पूरा, उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर पूरा बताया हुआ है। हाँ, मैंने जैसे थोड़ा बहुत आईबीएल तो पढ़ा है, मतलब इसमें बोले हेल्थ तो। स्निप स्निप लेबोरेटरी है दादा, ये चेन्नई के अंदर ही है, ये सर्वल टेबलेट एंड लिक्विड बेस्ड फार्मा प्रोडक्ट इज प्लांट ये बनाती है दादा। एक और ये बना सब्सिडी है उसका, पीके मेडिक इक्विप लिमिटेड, ये बनाती है मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरी फोकस ऑन डिस्पोजल सिरिंज, ये बनाती है दादा तंजावुर के अंदर, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। और ये के हेल्थ वे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये होलसेल का काम करती है दादा, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, अच्छा, मतलब भाई इसके अंदर ये हेल्थ और फार्मा डिवीजन के अंदर भी, फार्मा डिवीजन बना के उसके अंदर उसने अभी और 7-8 सब्सिडी बनाई हुई है, वो अलग 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 बिजनेस देखती है। मतलब इसका ना मेरे को जो लगता है, पहले तो इसका जो प्रोस्पेक्ट मेरे को सबसे ज्यादा लगता है, एक तो कैटरिंग बिजनेस बहुत इसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस भी इसने, जैसे इंडियन नेवी को सप्लाई कर रहा है और उधर एप्रिसिएट हो रहा है DRDO इसरो, वो डिविजन भी डिफेंस में बहुत अच्छा कर सकता है। जो तीसरा जो मेरे को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी जैसे हमारे कॉलेज ने बताया था कि वसन मेडिकल को इन्होंने एक्वायर किया था, उसका रिटेल 24 फार्मा रिटेल आउटलेट भी है तमिलनाडु के अंदर, वो 100 ईयर्स ओल्ड फार्मा कंपनी है, रिपोर्टेड तो फार्मा सेल्स है उनका। जो भी है मेरे को एक ना पॉजिटिव डेवलपमेंट इसमें दिख रहा है। मतलब इसमें देखोगे जैसे हेल्थ केयर बिजनेस इस जिस हिसाब से एक्वायर कर रहे हैं,
और जो गवर्नमेंट अर्बन एरिया में जिसमें गवर्नमेंट उतना फोकस नहीं है वो सबको एक्वायर करके, और उसके साथ इसने वो रिटेल जो हेल्थ केयर क्लिनिक्स होता है जैसे आई केयर क्लिनिक हो गया, आपको इमरजेंसी क्लिनिक हो गया, जो सबका एक्चुअली कमी दिखता है अर्बन इंडिया में, वो सब पे काम कर रहे हैं जिसका एक बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो तीन चार बिजनेस इसका इतना ऐसा है जो बहुत ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पहले सिंगल सिर्फ उसमें था, उसको क्या कहते हैं, कैटरिंग बिजनेस पे था, लेकिन इसको जैसे मेरे को कॉर्पोरेट फार्मिंग भी इंडिया में बहुत इनिशियल स्टेज में हर जगह पे, तो इसने कॉर्पोरेट फार्मिंग भी करता है। तो ये सब जो बिजनेस है ना, ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है इसका। हेल्थ केयर का चेन काल उठ के पूरा इंडिया में भी हो सकता है, तो जो नल्लम सप्पू करके इसको फूड का चेन है वो भी बढ़ सकता है क्योंकि कम पैसे में उसमें फूड मिलता है, ये सब है। तो इसका बिजनेस जो है सारे मेरे को फ्यूचरिस्टिक्स लग रहे हैं और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत। आप लोग भी थोड़ा इसमें वो करो, और इसका बैलेंस शीट भी मतलब उतना खराब नहीं है, बहुत क्लीन बैलेंस शीट है। दादा, इसका थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे हाँ तो प्रोमोटर जो है स्टेडीली डिक्रीज कर रहा है, DII भी डिक्रीज कर रहा है, पब्लिक का इंक्रीज हो रहा है। वो मैंने देखा, थोड़ा सा कॉन्सर्न तो है लेकिन मैंने थोड़ा बहुत क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मेरे को चार्ट पैटर्न अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सेल्स जिस हिसाब से बढ़ रहा है। बिजनेस अच्छा है दादा, जैसे अभी एक इसके अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर बताया, द बॉयलर डिवीजन इज पोइंग टू गेट हग सप्लाई ऑर्डर फ्रॉम साउथर्न रेलवे, मतलब बहुत अच्छा ऑर्डर मिला उनको साउथर्न रेलवे से बॉयलर डिवीजन के अंदर। उसके अंदर अच्छा जंप भी बताया उन्होंने, टर्नओवर के अंदर जंप होगा 2023 2024 के अंदर, मतलब चलो, अच्छे सेल्स है डिक्रीज दादा। का बहुत सारे रीजन हो सकता है। देखो ये कंपनी क्या था, आप अगर चार्ट देखोगे ना डिक्रीज, मैंने हमेशा एक चीज तो बहुत सारे कंपनी में ये चीज नोटिस किया। देखो एक कंपनी क्या, 4-5 साल पहले भी 6-7 रुपया 10 रुपये में पड़ा था, जब उससे 114-115 रुपया होता है ना, तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक तो सब करता है। ठीक है, वो कितने भी बड़ा इन्वेस्टर हो, DII है कोई भी है, जब आपको प्राइस 10 गुना 20 गुना हो जाता है ना, तब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो कटता ही है, थोड़ा सा प्राइस वो करते हैं। शायद ये भी हो सकता है प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा कम करके और भी बिजनेस में, इसका जो भी सेगमेंट है ना लास्ट कुछ ईयर में सारे सेगमेंट में थोड़ा एक्टिविटी दिख रहा है, और उसलिए देखो इसका सेल्स कितना हो गया, 3 गुना का ऊपर हो गया, सही है ना। ने दादा सितंबर 2023 में भी DII सब सेल किया है, और सितंबर में ऐसा कोई प्राइस का डिफरेंस नहीं था। हाँ तो जून टू सितंबर में भी 2%, ऑलमोस्ट 2% DII लोग घटाया है। DII थोड़ा उसे सा कॉन्सर्न लाइट है लेकिन हम लोग हो रहा। इसको हाँ स्टॉप लॉस देके भी कर सकते हैं। देखो मैंने तो इसमें अगर ये 46 का नीचे जाएगा तो थोड़ा और भी नीचे जा सकता है, तो मैंने इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सारे बिजनेस में, थोड़ा सा एक हलचल जिसको बोलता है, और सारे बिजनेस फ्यूचरिस्टिक बिजनेस चलेगा जब दिखता भी है। मैंने बात किया एक दो फ्रेंड से साउथ इंडिया में, इसको प्रेजेंस दिखता है एक्चुअली, ओके। जैसे बहुत सारे लोग तो इधर होगा साउथ इंडिया से, हो नहीं है इधर, जैसे ये जो जैसे मैं प्रवीण जी बोल रहा था, इसमें चेन्नई में 2-3 हॉस्पिटल को एक्वायर किया तमिलनाडु में, तो ये सब चीज क्या होता है, ऐसा ही हो रहा है, मतलब दिख तो रहा है ना लोगों को। देखो ये फर्जी बिजनेस नहीं है हेल्थ केयर में, जैसे मैं जस्ट वो पढ़ा था जैसे आप लोगों ने बताया ना अभी मेरे को, ये 2-3 हॉस्पिटल को एक्वायर किया, क्लिनिक किया, ये सब क्या होता है, ये अगर फर्जी बिजनेस होता ना ये लोगों को दिखता नहीं था, सही है या नहीं। और नल्ला सप्पू फूड चेन मतलब बहुत सारे आईटी पार्क में है इसका, मैंने ये भी खबर तो लगाया, तो तो इसका बिजनेस सही दिखता है। अरे वो ना वर्षा था ना कहीं, हाँ बोलिए, कोई कुछ बता रहा था, बोलिए। नहीं दादा शायद और किसी से बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न एक कॉन्सर्न तो है, तो इसने देखो इस फिक्स एसेट परचेज में भी मतलब इस साल इसने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, तो मतलब इतने एग्रेसिवली कुछ तो कर रहा है।
ये जो एक्वायर कर रहा है, ये सब कर रहा है, ये सब में इसका इन्वेस्टमेंट तो दिख रहा है, इसका कैश फ्लो एक्टिविटी में भी कुछ एक तो तो पर... सर मल्टीपल बिजनेस है करके तुरंत में इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज अ वेरी मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है वो भी मेरे को लग रहा है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन थोड़ा रहना भी अच्छा है। हाँ अच्छा है, मतलब एक बिजनेस अगर अगर इफेक्ट करेगा तो कंपनी विल नॉट गेट अफेक्टेड, ओनली दैट सो मच डाइवर्सिफिकेशन इज देयर तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी अ प्रॉब्लम, इतना ज्यादा देखना एक्चुअली पड़ेगा। ये थोड़ा सब अलग था, ये 2022 में ही सब इकट्ठा किया है इसने, तो हाँ तो मेरे दैट विल को जो लग रहा है बी इसका मतलब सब कुछ पढ़ के थोड़ा सा, इसका बहुत ज्यादा प्लान तो है इसको, मतलब हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉयलर डिवीजन, सब डिवीजन में कुछ तो कुछ ना कुछ पक रहा है, और अच्छा मतलब कुछ तो प्लान है कंपनी का। मेरे को ये चीज बहुत मतलब नो कर रहा है, देखो 3 साल में 3 टाइम्स हो गया सेल्स। इसका प्रोमोटर का कुछ खबर है क्या सर? हमको तो दिख नहीं रहा है, हु इज द प्रोमोटर? देखता हूँ, जी स्वामीनाथन, इंदिरा कुमार, सब सब नए नए नाम है शायद, जो सबसे ज्यादा होल्ड कर रहा है जी स्वामीनाथन, जिस दैट इज स्टडी। वो स्टेडी है, और उसके बाद भी जो है साई सुंदर, उसके भी स्टेडी है। हाँ जो जो 6% से ऊपर होल्ड कर रहा था वो स्टडी है। हाँ एक जो वो इंदिरा थोड़ा, कुमार, एस इंदिरा कुमार जो है वो निकल गया है, 6.13 था हाँ वो निकल गया है उसलिए ही टोटल। थोड़ा सा कम हुआ है, हाँ बाकी तो मतलब इतना ज्यादा एक कोई प्रमोटर निकल गया, लेकिन बाकी उतना कोई प्रॉब्लम दिख नहीं। हाँ जो सबसे ज्यादा होल्ड कर रहा है ए सिंधा नंबर। कुमार भी है एक्चुअली, वो 2 क्वार्टर ही उधर दिख रहा था, देखो ए सिंधा कुमार नीचे दिख रहा है, वो भी अच्छा स्टडी है। ओके 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 ओके, वो मिस्टेक है कुछ। हाँ ठीक, तो टॉप 3 4 जो प्रमोटर है सब होल्ड ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। तो मेरे को जो लग रहा है इसने कुछ तो पकड़ा है इसमें, और चार्ट भी उसको दिख रहा है। देखो चार्ट में, जो चार्ट अगर आप देखोगे ना, आपका चार्ट में बहुत ज्यादा एक्टिविटी दिख रहा है, ठीक है, तो इधर से ऊपर जाने का बहुत ज्यादा चांस है। देखो ये सब कंपनी में क्या होता है, कभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, लेकिन ये सब कंपनी आपको क्या करता है, घुमाएगा, इसका बहुत सारे डिविजन है और सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जैसे हेल्थ केयर चेन इंडिया में बहुत कम कंपनी के पास है, हेल्थ केयर चेन हो गया, ठीक है, एफएमसीजी में जो आयुर्वेदिक टाइप का प्रोडक्ट है, सिर्फ वो प्रोडक्ट लेके आप पतंजलि देखो आज कहाँ पहुंच गया, ठीक है, वो है। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना रहा है, उसके बाद उसका बॉयलर डिविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिविजन, इलेक्ट्रॉनिक डिविजन भी हर जगह पे अप्रिसिएट हो रहा है, तो ये कंपनी कुछ तो कर सकते हैं बड़ा कुछ, ठीक है, शायद थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम लोग थोड़ा क्वांटिटी, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है, शायद आपको अच्छा भी नहीं लग सकते, मेरे को थोड़ा दिख रहा है कंपनी में, ठीक है, तो मे बी आई एम रॉन्ग, तो ठीक नहीं दादा, यू आर वेरी सेल्डम रॉन्ग, है, कुछ तो है। तो मेरे को मतलब क्या है, पॉजिटिव डेवलपमेंट दिख रहा है हर तरह हाँ इसको, जान है इसमें। हाँ इसमें जान तो है। तो और मेरे को जो सबसे ज्यादा है वॉल्यूम एक्टिविटी, ऐसा वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत रेयर होता है, और इस तरह का वॉल्यूम एक्टिविटी वाला कंपनी मैंने बहुत रेयरली फेल होते हुए देखा हुआ है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो वॉल्यूम से वॉल्यूम आज कहाँ पे है वॉल्यूम एक्टिविटी, तो ठीक है, तो और तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो पकड़ा है इसमें, ठीक है, तो शायद आप लोग भी और भी इंफॉर्मेशन गैदर करो। और दूसरा जो ये कंपनी क्या है दादा, ये कंपनी ने बोरिंग्स बहुत बढ़ा दिए अगर आप देखेंगे तो, और सामने वो लोन दे रहे हैं एसेट्स में, तो वो क्या है, पैसा हो सकता है बाहर से उठा रहा है और अपनी दूसरी सब्सिडियरी में लगा के लोन दिखा रहा है, या तो बाहर वो उसका डिफरेंस खा रहा है और बैलेंस शीट बढ़ा रहा है। ओके
लोन तो बढ़ा गया तो शायद ये मतलब जो एक्सपेंशंस इतना कर रहे हैं, क्योंकि देखो आप इस जगह पे आपने सामने सॉरी सामने क्या है, वो एसेट्स में भी लोन दिखा रहा है, तो वो सामने लोन दे भी रहे, अब यहां से ले रहा है वहां पे दे रहा है। अच्छा ये हम स्टैंड लोन देख रहे हैं ना, तो उसकी सब्सिडरी में तो पैसा चाहिए, तो वो यहीं से जा रहा होगा लोन एंड एडवांसेस में। हाँ, क्योंकि आप कैश फ्लो में देखोगे ना, देखो इस जगह पे फिक्स एसेट परचेज में ह्यूज क्वांटिटी एक जो किया, जो मतलब अनयूजुअल है थोड़ा सा ना, उसने कभी लास्ट देखो कभी उतना इतना बड़ा फिक्स एसेट में उसने लगाया नहीं, तो मतलब ये एक्सपेंशन तो कर रहा है, जो सब्सिडियरी में पैसा लगा रहा है वो तो है। आप लोग अच्छा बता पाओगे और भी मेरे को, क्योंकि बैलेंस शीट उतना पता नहीं चलता है। तो जो लोगों को बहुत अच्छा बैलेंस शीट मतलब पढ़ना आता है, क्या है आप लोगों का ओपिनियन में जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, मैं मेरा लेवल पे थोड़ा तो स्टडी किया, मेरे को चार्ट आता है थोड़ा बहुत जो भी आता है मैंने किया, इसमें रेड फ्लैग क्या क्या है आप लोग अगर बता पाओगे तो मेरे लिए अच्छा है। एक तो हो गया चलो प्रोमोटर का वो एक है थोड़ा सा स्टेक कम हुआ, दूसरा ये लोन बढ़ गया ये भी एक रेड फ्लैग तो है, और कुछ है। लाइबिलिटीज तो कम हो रहा है दादा। हाँ थोड़ा सा ही कम हुआ है। हाँ लाइबिलिटीज में भी नॉर्मल ही है, ट्रेड्स पेवेल एक्चुअली बढ़ गया है, हाँ वो एक्चुअली बिजनेस बढ़ता है ना तो वो लाइबिलिटीज भी बढ़ता है, उस ट्रेड्स पेवेल तो बढ़ता ही है, वो तो नॉर्मल ही है। एक्चुअली इसने लोन बहुत ले रहा है एक्चुअली, शायद वो एक्विजिशन वगैरह जो लास्ट 2-3 साल से बढ़ा है ना, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। तो इसका सेल्स इतना बड़ा है तो मैं आई डोंट थिंक दैट इज ए वेरी बिग कॉन्सर्न ठीक है, जैसे इससे इंटरेस्ट पे भी बढ़ गया इस जगह पे, लेकिन लोन का कुछ रीपेमेंट कर रहा है इसने, रीपेमेंट भी कुछ भी नहीं किया इस साल। चलो लोन भी एक थोड़ा सा रेड फ्लैग है, लोन बढ़ रहा है लेकिन ठीक है, चलो इतने सारे इसका बिजनेस है और बिजनेस में जो ग्रोथ इसको थोड़ा बहुत दिख रहा है, और इसका बैलेंस शीट ऑलमोस्ट मतलब आप अगर सेल्स देखोगे 3 टाइम्स हो गया ठीक है, तो ये मेरे को एक पॉजिटिव टिकट दे रहा है, मैं थोड़ा क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका हूँ, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन बाकी स्टॉक में जैसे 100% मैं इन्वेस्ट करता हूँ इसमें 50% ही करूंगा ठीक है, क्योंकि छोटा स्टॉक है उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन ये सब स्टॉक चलता है तो आपको एकदम कहाँ लेकर चला जाएगा आप सोच भी नहीं सकते, जैसे मैंने BLS इंटरनेशनल में हुआ था, बहुत सारे कंपनी में ऐसा हुआ है, तो छोटा इन्वेस्टमेंट था ऐसा ही पोटेंशियल कंपनी को, आप बड़ा कंपनी में लगा के पैसा कभी कमा नहीं सकते हो ठीक है वो दादा, आपको। ये नेक्स्ट ऑर्बिट फंड ने भी उसके अंदर हिस्सेदारी ले रखी है, 13% होल्डर है, और यही एलन स्कॉट के अंदर होल्डिंग किया हुआ था, और जिस समय वो 300 गया था तब, इसने इसके अंदर एक नेक्स्ट ऑर्बिट फंड है उसकी हिस्सेदारी है दादा 13%। नहीं, उसकी हिस्सेदारी नहीं है, उसने हिस्सेदारी कमाई है। नहीं उसका नहीं हर हिस्सेदारी 22% था पहले। के पास के अंदर जैसे DIE होता है ना उसके अंदर एक फंड है दादा नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर फंड, हाँ ये 13% होल्डर है। हाँ लेकिन December 20 में वो 22% होल्डर था, नहीं तो उसने ये अपनी अपने होल्डिंग कम की है। हाँ तो कम किया है, वो धीरे धीरे कम करते जा रहा है एक्चुअली। लेकिन तेरह परसेंट इज वेरी ह्यूज है। हाँ बट ऑफलोड कर रहा है, वो धीरे धीरे ऑफलोड कर। सर ये क्या है, एक टाइम पे तो 20% बेचेंगे तो मार्केट में ही पूरा हालत खराब हो जाएगा, तो दे हैव टू रिड्यूस इट स्लोली। ठीक है, इसको मैं बोला एक्चुअली थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा सा कॉन्सर्न है, लेकिन मेरे को बिजनेस स्टडी अच्छा दिख रहा है, उसमें स्टेडी ग्रोथ हो रहा है और हर जगह पे एक्सपेंशन भी है, और बिजनेस अच्छा है, जो भी बिजनेस है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, मतलब
मतलब से कुछ साल पहले भी देखोगे ओनली से फूड कैटरिंग का बिजनेस में था, वो छोड़ के उसका तो है ही पूरा चेन पूरा इंडिया में, ठीक है। तो वो छोड़ के भी मतलब ठीक है, एक कंपनी में मैंने तो इन्वेस्ट करूंगा, अभी देखते हैं क्या होगा। मेरे को लगता है चार्ट पैटर्न के सबसे बहुत अच्छा अच्छा न्यूज आने वाला है इसमें, और भी और थोड़ा बिजनेस मतलब बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, मतलब देखते हैं अभी इसको। चलो नेक्स्ट है शायद, और एक डीन ओरा एटीएल दादा, आल इटेल कार, आल कार्गो टर्मिनल लिमिटेड। भी डीन ओरा भी मैंने बताया था ना। हाँ ये आपने ही बताया था दादा। हाँ डीन ओरा बताया था। डीन ओरा आप अगर देखोगे इधर से एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन था, उसको ब्रेक किया के बहुत ही ऊपर गया, तो उधर भी एक सर चार्ट नहीं फ्लक्चुएशन। दिख रहा है, सर चार्ट नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसको इस जगह से आप देखोगे 2006 से लेके इधर तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे ये कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेक किया, एक बड़ा मूव दिया, लेकिन उसके बाद फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। इस जगह पे अगर देखोगे एक ऐसा करके ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे, ब्रेक किया तो ट्रेंड लाइन इस जगह पे रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस जगह पे देखोगे ये जो गैप है एक रेजिस्टेंस से काम कर रहा है, लेकिन गैप को बहुत बार रिटेस्ट कर चुका है। तो अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है शायद ऊपर ये जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है एक बड़ा मूव के बाद इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के सबसे बहुत अच्छा है, वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो ये कंपनी में मैं क्यों इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, ये भी सेम कहानी है जैसे मॉर्गेनाइट क्रूसिबल है। आप अगर डिनोरा देखोगे, डिनोरा कंपनी के बारे में किसी को पता है कौन है? दा ये मल्टी नेशनल है, बहुत यस, सारा इनका इटालियन बिजनेस है। मल्टी नेशनल है। ये सोलर और बाकी सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, मेनली सोलर में बहुत अच्छा काम करती है। वाटर यस, चलो हम लोग देख लेते हैं ट्रीटमेंट इसको। का भी, इसका वाटर ट्रीटमेंट का भी रहता है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्टडी करके बहुत पहले इसका शेयर लिया था। मेरे पास वही फ्री शेयर पड़ा हुआ है, मेरे पास 300 रुपये वाला है, तो मगर बहुत कम पड़ा हुआ है। तब मैंने थोड़ा स्टडी किया था, मेरे को इससे थोड़ा आइडिया। वाटर ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहा था तब ये। डीनोरा इंडिया लिमिटेड, ठीक है। अब इसको देखोगे, चलो डीनोरा का साइट पे जाते हैं। तो डीनोरा जो है ना, एक इटालियन मल्टीनेशनल है जो वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रोड जो बनता है ना, आपको इलेक्ट्रोड क्या जैसे एनोड कैथोड का बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री में चला जाओ, चलो आप स्टील प्लांट बोलो, या तो जिधर गैल्वनाइज होता है, या तो वहां पे कोटिंग हो रहा है, कुछ भी जगह पे आपको ये सब एप्लीकेशन के लिए इलेक्ट्रोड्स चाहिए, जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रोड है ये उसमें मार्केट लीडर है पूरा वर्ल्ड में, इसका कंपटीशन में भी कोई है नहीं, ठीक है। तो वर्ल्ड का चलो इस जगह पे इसका एक वो था सर्विसेज ब्रांड, इन्वेस्टर रिलेशन, चलो इन्वेस्टर किट में इस जगह पे एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मेरे को मिला था। ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, है दिख रहा है आपको, आप लोगों को? यस तो मोर देन 100 इयर्स का कंपनी है, 100 इयर्स। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये वर्ल्ड का मार्केट लीडर है, ठीक है। इसका 3 डिवीजन है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ द हाई परफॉर्मिंग कोटिंग्स एंड इलेक्ट्रोड्स फॉर द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लीडर इन इमर्जिंग सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड विद ए की रोल एनर्जी ट्रांसिशन। तो रिकॉग्नाइज प्रोवाइडर वाटर ट्रीटमेंट में तो है इसमें, उसके बाद इसके एक्चुअली 3 बिजनेस है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है 3 बिजनेस। एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोड टेक्नोलॉजी है उसका 55% है, उसके एनर्जी ट्रांसमिशन 12% है, वाटर टेक्नोलॉजी 33% है। तो आपको ऑलरेडी बोला जो वाटर टेक्नो मतलब इलेक्ट्रोड जो आपको गैल्वेनाइज होता है, वाटर
इक्विपमेंट के लिए लगता है। उसके बाद कोई भी प्लांट में जिस जगह पे आप कोई सोचो कोई मेटल मेल्ट करके अलग कर रहे हो, कोई भी कोटिंग टाइप का हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उसका एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये कैटलिक कोटिंग, एनोड्स, कैथोड, गैस डिफ्यूजन, इलेक्ट्रोड्स, सेल मैन्युफैक्चरिंग बैटरी में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स फॉर एल्कलाइन वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस जो वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो मतलब इलेक्ट्रोड्स लगता है। उसके बाद आपको वाटर वो भी मतलब एनर्जी ट्रांसमिशन, वाटर टेक्नोलॉजी। एक्चुअली ये सब क्या होता है, ये सब अभी के दिन में जितना दिन जा रहा है ना, एनवायरमेंट रिलेटेड चीजेस जितना बढ़ रहा है, ये एनर्जी ट्रांसमिशन जैसे सोलर में आप लोग बोला, सोलर का जो क्या होता है, जैसे सोलर सेल में जो बैटरी लगता है उसमें भी इलेक्ट्रोड्स का यूज बहुत ज्यादा है। तो सोलर सेल का जैसे किसी ने बता रहा था सोलर में बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, तो उसलिए ये सोलर सेल का जो बैटरी है वो उसमें मतलब वो काम करता है। ठीक है, वाटर टेक्नोलॉजी में क्या होता है, तो वाटर अभी इंडिया में वाटर टेक्नोलॉजी जैसे दिन जा रहा है ना आपका वाटर कम हो रहा है, तो और वाटर जो भी है आप सोचो पहले जैसे दिखता था कोई भी रिवर जाता है ना तो उसके इंडस्ट्री का गंदा पानी या तो पूरा सिटी का गंदा पानी सब जाता था, लेकिन आज के दिन में ये मेजोरिटी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वाटर कम हो रहा है, तो वाटर को उसको ट्रीट करके अच्छा वाटर रिवर में करना है, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी बढ़ रहे हैं, तो ये सब में ये काम कर रहे हैं। अभी दूसरा क्या है, लेकिन ये क्या होता था, ये होल वर्ल्ड वाइड एक मतलब एक मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसमें भी आप इसका सेल्स देखोगे ना कितना ज्यादा सेल्स है, मतलब आप ये देखोगे दादा। एक और वो इसका डिवीजन जो आप बोल रहे थे ना, अभी इसने स्टार्ट किया है 2 4 5 साल पहले, वो हाइड्रोजन गैस वाला है। हाँ जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में उल्टा होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो एज ए हाँ एनर्जी सोर्स वो यूज करता है। ये इसका थर्ड स्ट्रीम है जो आप बता रहे थे कि दो स्ट्रीम, ये तीसरा ये वाला स्ट्रीम है हाइड्रोजन गैस अच्छा वाला। ठीक है, मैंने उतना ज्यादा मेरे को जस्ट काली मिला इसको तो नहीं नहीं चार्ट। बहुत अच्छा हाँ कंपनी है सर ये। तो आप देखो ना सेल्स अगर देखोगे 2022 का देखो, मतलब ये तो ये क्या है पाउंड है शायद 852.8 मिलियन पाउंड का इसका बिजनेस है, जो 2022 में 38.5% ग्रो किया। ठीक है, इसका एबिटा भी जुड़ो देखोगे है जुड़ो। 51% ग्रो किया, और ऑल टाइम हाई बैकलॉग मतलब ऑर्डर्स इसके पास बहुत ज्यादा है उस टाइम। ठीक है, तो और मेनली एनर्जी ट्रांसमिशन में जो उसका है, तो आप अगर अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी आप डिनोरा का इंडिया का देखोगे ना, मैं वो देख रहा था न, इस जगह पे देखो डिनोरा इंडिया में आप अगर मेरे को जो दिख रहा है ना इसमें एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, तो ये क्या चीज इंडिकेट करता है। देखो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो 2021 में 25% था, अभी 46%। ठीक है, डोमेस्टिक रेवेन्यू 75% था। पहले क्या था, इंडिया में जो थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट था उसके लिए डिनोरा इंडिया डिवीजन था। अभी जो हो रहा है ना देखो आफ्टर कोविड ये इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है, उसलिए इंडिया में बना के पूरा वर्ल्ड का जो सप्लाई है धीरे धीरे इधर से कर रहे हैं वो, अभी भी एशिया एंड मिडिल ईस्ट में ही देता है, तो लेकिन इसमें एक्सपोर्ट बढ़ रहा है इसका इंडिकेशन ये है, ये भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब ये शिफ्टिंग कर रहा है, क्योंकि बाकी सारे जगह पे यूरोप इटली ये सब जगह पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके भी वही मेरे को चीज दिख रहा है जो इधर जो दिख रहा है, तो उसकी सबसे और कंपनी बहुत अच्छा है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी का ये सब्सिडरीज होता है ना, ये डिनोरा जो कंपनी है इंडिया, डिनोरा इंडिया इज अ सब्सिडरी ऑफ दैट इटालियन मल्टीनेशनल जाइंट, तो इसने इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग हब ये शिफ्टिंग करेगा तो इसका बहुत ज्यादा अच्छा फ्यूचर हो सकता है। तो और एक कंपनी का चार्ट भी देखोगे स्टडीली बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे 2019 में आप देखोगे 27 करोड़ का था, उधर से 75 करोड़ है। आप प्रॉफिटेबिलिटी भी देखो लास्ट 2 3 ईयर से एकदम स्टेडी है, 31% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब एबिटा बहुत अच्छा है, तो इसमें एकदम क्लीन बैलेंस शीट है, मतलब ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें, इसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना ज्यादा दिख नहीं रहा है, मतलब कंपनी स्टेडी है अभी भी, उसे कोई न्यूज या तो कुछ भी नहीं है जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आप शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो तो उसका तो इटालियन जो मेन पेरेंट बॉडी है वो भी कर सकता था ना, तो इंडिया से क्यों होगा। तो मेरे को यही एक चीज पॉजिटिव लग रहा है, और चार्ट बहुत अच्छा है, अगर इसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं है
इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग अप शिफ्टिंग का या तो बाकी कुछ नहीं है, तो ये जो कंसोलिडेशन चल रहा था ईयर आफ्टर ईयर, उधर से निकल नहीं सकता था ये, तो इधर से निकला और ये बहुत ही अच्छे, इधर वॉल्यूम भी दिख रहा है आपको, तो मेरे को चार्ट के हिसाब से तो बहुत अच्छे, तो मैंने उसने थोड़ा सा स्टडी किया, देखा इसका एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस है और बैटरी फ्यूल सेल ये सब का बिजनेस और भी बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका मतलब पेट्रोलियम कम होता जाएगा तो ऑल्टरनेटिव जो एनर्जी सोर्स सोलर ये सब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक कार का जो बढ़ रहा है सब कुछ में इसका एक फ्यूचर तो दिख रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड का मार्केट लीडर है, तो इंडिया में ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो और इंडिया से एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है जो बहुत ही एक पॉजिटिव साइन है, तो शायद एक कंपनी भी बाकी कंपनी की तरह मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। तो मेरे को इस कंपनी के बारे में और बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है, काली मेरे को मिला और मेरे को बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है तो ये कंपनी को, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिसाइड किया मैं थोड़ा क्वांटिटी इसमें इन्वेस्ट करूंगा और धीरे 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 टाइम के साथ जैसे जैसे चार्ट का डेवलप होगा तो धीरे धीरे मैं प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे आएगा तो और भी ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करने का, ये मेरा इसमें टोटल वो है, तो आप लोगों का कुछ है इसमें का कहना? क्या है आप लोगों का ओपिनियन इसमें? किसी का कोई ओपिनियन नहीं है? दादा मैंने बताया था, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, फ्री शेयर्स मैं करूंगा क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी के पूरे थीम पे है और तो मैं मार्केट वही बोल लीडर रहा है। हूँ, अल्टरनेटिव एनर्जी मतलब बहुत बड़ा बात है, और जो वर्ल्ड लीडर है तो उसको तो ग्रोथ तो होगा ही होगा। करेक्ट करेक्ट, और ऊपर से ये वाटर क्लीनिंग और इन सब में भी है, सोशल कॉज जिस पे गवर्नमेंट का बहुत फोकस है तो वहाँ सब में भी इसका पॉजिटिव है, तो इसीलिए मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मगर ठीक है फ्री शेयर्स हैं वो मैं होल्ड करूंगा। नहीं मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं तो, लेकिन मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करूंगा इसमें, ठीक है। और जो लास्ट है एटीएल, ऑल कार्गो टर्मिनल्स अगर देखोगे, जस्ट कुछ दिन पहले ये डिमर्ज हुआ ऑल कार्गो, और आप लोगों को सबको पता है ऑल कार्गो के ऊपर मैं हमेशा बुलिश था, ऑल कार्गो मैंने वीडियो भी बनाया था सब कुछ है, तो ये डिमर्ज होके ऑल कार्गो टर्मिनल्स मेरे पास थोड़ा बहुत है इसका, तो ऑल कार्गो जो टर्मिनल्स है एक्चुअली इसका क्या बिजनेस है, ऑल कार्गो आप देखोगे ना, ऑल कार्गो ग्रुप क्या किया था इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट कुरियर नेटवर्क था गाती का, तो गाती को इसने पहले एक्वायर किया था, ठीक है, गाती को एक्वायर किया था, तो इसके पास आप अगर उसको देखोगे जो कार्गो शिपिंग होता है, तो मतलब जो कंटेनर शिपिंग, तो और उसमें दो तरह का है, एक फुल कंटेनर लोड होता है और एक होता है जैसे सोचो बहुत सारे मैक्सिमम कंपनी का फुल कंटेनर लेने का कैपेबिलिटी होता नहीं क्योंकि उसके साथ उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं है, तो हाफ कंटेनर लेना पड़ता है, ठीक है, तो सोचो पार्सियल क्वांटिटी, तो इसने क्या करता था ऑल कार्गो, बहुत सारे कंपनी का उसे पार्सियल पार्सियल लेके, मतलब सोचो एक डेस्टिनेशन पे है तो वो डेस्टिनेशन का उसका वो पार्शियल क्वांटिटी इस कंपनी से थोड़ा उस कंपनी का पूरा करके, पूरा कंटेनर पूरा करके उसको जो ये पार्शियल क्वांटिटी जो कंटेनर लेते हैं वो बिजनेस पे ये मार्केट लीडर है, ऑलमोस्ट वर्ल्ड का 30% मार्केट शेयर इसके पास ये, तो ऑल करके। और उसके बाद इसने क्या किया, इसके लिए इसने बहुत टाइम से इसने क्या किया, एक वेयर हाउसिंग बिल्ड किया प्लस कंटेनर स्टेशन भी बिल्ड कर लिया इसने, इंडिया के आज के डेट पे इसका देखोगे हर मेजर पोर्ट पे इसका कंटेनर स्टेशन है, तो इसने क्या किया तीन बिजनेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट आपको डिमार्ज कर दिया, एक तो गाती का जो था वो ऑलकर को गाती का नाम से वो कुरियर सर्विस हो गया, जैसे उसमें क्या करता है जैसे कोई कंपनी है तो उसका वो कंपनी का जैसे सोचो कोई प्रोडक्ट उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा कहाँ कोई ना कोई जगह पे, तो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस ऑल्सो प्लस कुरियर सर्विस का बिजनेस ये सब में ऑलमोस्ट आज के दिन में मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है इंडिया में, इंडिया में ऑलमोस्ट 90% 90 to 95% पिन कोड में गाती का सर्विस आपको मिलता है, ठीक है, तो वो मेरे कुरियर सर्विस है और लॉजिस्टिक्स में है गाती, उसके बाद लॉजिस्टिक्स कंपनी आप अगर हो गए ना आपको वेयर हाउसिंग चाहिए ही चाहिए, कैसे वेयर हाउसिंग चाहिए, क्यों वेयर हाउसिंग चाहिए होता है जैसे वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक का वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट क्यों है, सोचो जैसे
ये जो आप अमेजन या तो फ्लिपकार्ट से मतलब जो चीज खरीद रहे हो, आपने सोचो देखा होगा कोई मोबाइल अमेजन में आपने ऑर्डर किया, थोड़ा नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आ गया है, वो कैसे होता है? ऐसा थोड़ा ही होता है जो आपके लिए वो कंपनी इमिडिएटली भेज दे, ऐसा नहीं होता है। जैसे वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डेटाबेस है वो एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करके वो क्या करते हैं, जैसे देख लिया चलो अहमदाबाद में एक चीज का सेल्स बहुत ज्यादा है, इसका ऑलमोस्ट पर डे 100 तो जा ही रहा है, तो वो क्या करेगा, तो ऑन एन एवरेज सोचो कोई दिन 120 जा रहा है, कोई दिन 70 जा रहा है, कोई दिन 90 जा रहा है, तो महीने का एवरेज जो है 100, वो क्या करेगा, कोई एक वेयर हाउस फैसिलिटी में 100 का एवरेज वो मेंटेन करेगा वो मॉडल का, ठीक है? तो इमिडिएटली जैसे आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो वेयर हाउस से आ रहे हैं, तो वेयर हाउस क्या करना पड़ता है, उसको रेंट पे लेना पड़ता है, तो ये सब रेंट ये कौन मेंटेन करता है, कोई लॉजिस्टिक कंपनी या तो रेंट पे देता है लेते हैं, या तो कोई अपना फैसिलिटी बनाते हैं, तो ऑल कार्गो ने ओवर ए टाइम बिंग ये जो ये लॉजिस्टिक बिजनेस ऑलरेडी उसका था, या तो कार्गो शिपिंग का जो बिजनेस था उसके साथ ये वेयर हाउसिंग कंटेनर जो स्टेशन होता है, जैसे आपने बहुत सारे मूवी में देखा होगा, या तो जो उसको क्या कहते हैं डॉक, या तो डॉक होता है मतलब पोर्ट होता है, उसका आसपास देखना एक कंटेनर स्टेशन रहता है, तो वो एक्चुअली गवर्नमेंट का नहीं होता, कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी उसको मैनेज करते हैं, तो ऑल कार्गो का जो है हर एक देखोगे जैसे मुंबई के आसपास इसका दो है, मुंबई के आसपास इसका दो कंटेनर स्टेशन है, मुंद्रा में देखोगे इसका एक है, उसके बाद कैलकाटा में भी इसने जो वो कंटेनर का ऊपर देखना मार्क्स करके कुछ लिखा रहता है, मार्क्स का जो कंटेनर है पूरा इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है, तो उसके साथ कोलाबोरेशन में कैलकाटा में जितना अपलोडिंग होता है सब कंटेनर का इसके पास ही है मतलब ऑर्डर्स, तो उसके बाद चेन्नई का जो पोर्ट है उसके पास भी इसका है कंटेनर स्टेशन, तो आज के दिन में आप देखोगे इंडिया का जो 80% लोड एक्सपोर्ट या तो इंपोर्ट लोड जिस मतलब जो जो पोर्ट से होता है उसके पास ही इसका कंटेनर स्टेशन है या तो इसका वेयर हाउसिंग है, तो इसके पास ये रहने से क्या हो रहा है, देखो इसके पास ऑलरेडी बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन दोनों है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या है, एक कंटेनर को शिप कर रहे हैं थ्रू ऑल कार्गो, जो इनका जो शिपिंग बिजनेस है ऑल कार्गो का जो कंटेनर है, और उसके बाद इसके पास ऑलरेडी गाती ऑल कार्गो सेम ग्रुप का है, तो गाती के थ्रू से क्या करते हैं ये सोचो, कोई कंपनी अगर कोई ऑर्डर दे रहे तो चलो चलो ऑल कार्गो से एक सेंट्रली ऑर्डर कोई कंपनी का मिल रहा है, सोचो आज के दिन में कंपनी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये कंपनी क्या करते हैं पूरा एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का काम करता है, जैसे आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया वो पिकअप कर लिया, वो गाती के थ्रू पिकअप कर लेते हैं, वो गाती सेम ग्रुप ऑफ कंपनी है, तो उसके साथ इसको कांटेक्ट करना बहुत इसी, या तो गाती को कोई ऑर्डर मिला, ऑर्डर सब ले लेते हैं ठीक है, ऑल कार्गो जो शिपिंग है उसको भी ऑर्डर मिलता है तो ले लेते हैं, पूरा एक्सपोर्ट को मैनेज कर रहे हैं गाती के थ्रू, वो कंपनी से प्रोडक्ट उठा रहा है ये वेयर हाउसिंग में या तो कंटेनर स्टेशन में उसको रख रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है जो तुरंत कोई कंपनी को एक्सपोर्ट करना है ले जाके एकदम शिप में बैठा देता है, ऐसा नहीं है, कंटेनर स्टेशन में 8-10 दिन रखना पड़ता है या तो कोई वेयर हाउस में रखना पड़ता है, तो वो जो कंटेनर स्टेशन है उसके लिए एक रेंट लगता है, तो इसने क्या करते टोटल ऑर्डर ले लिया, चलो इसको मतलब एक्सपोर्ट मैनेज करना है, तो वो ले जाके कंटेनर स्टेशन में कर ले लिया, उसके लिए टोटल एक पैकेज होता है, ठीक है? और उसके बाद ऑल कार्गो जो है जो पार्शियल क्वांटिटी जो कंटेनर जो लोग लेते हैं वो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, वो ये काम पे है, उसलिए ये मार्केट लीडर है उसमें, तो कंटेनर में वो रख के अलग अलग कंपनी का सब इकट्ठा करके उसको सेम डेस्टिनेशन में शिप कर दिया, तो कोई कंपनी को टोटल सर्विस मिल रही है, या तो कोई कंपनी इंपोर्ट कर रहा है कोई भी चीज उसको भी सेम कोई डेस्टिनेशन से, थोड़ा सोचो वो कंपनी को पूरा कंटेनर का जरूरत नहीं है, तो कोई हाफ कंटेनर या तो 1/4 कंटेनर का क्वांटिटी उसको लेना है, तो वो भी सेम कोई डेस्टिनेशन से, सोचो यूएस से कुछ इंपोर्ट करना है तो उस जगह से वो और भी 2-3 कंपनी के इकट्ठा करके लेकर आ गया, इधर आके फिर से वो कंटेनर स्टेशन में उसको अलग किया, या तो कोई वेयर हाउस में अलग करके वो फिर से गाती के थ्रू उससे जो जिधर जिधर पहुंचाना है पहुंचा देते, तो आज के दिन में ये बिजनेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, प्लस जो ये तो सिर्फ एक पोर्ट का हो गया, और उसके बाद जो ये जो लॉजिस्टिक स्टेशन का मैं बात कर रहा था वेयर हाउसिंग, तो ये भी ये काम के भी करता है, जैसे ये बहुत सारे इंडिया में इनलैंड वेयर हाउसिंग बहुत सारे है, तो उसमें भी कोई कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट करता है ऐसा नहीं, इनलैंड भी बहुत सारे जगह पे करता है, वो चीज भी ये मेंटेन करता है, मेंटेन मतलब मेंटेन करते हैं, तो ये इसका एक्चुअली पर्टिकुलरली बिजनेस है जो कंटेनर स्टेशन रेंट का बिजनेस मेनली है,
तो उसके लिए जो रेंट लगता है उधर, इसको अगर आप देखोगे आरओसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी प्रॉपर्टी मतलब ये ऑलरेडी बहुत दिन से बड़ा है। आरओसी मैं देख रहा था 29 का आरओसी है, तो मेरे को जो लगता है। दूसरा अभी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस है ये सब पे, कंटेनर लीडिंग बिजनेस में, जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट से एक्सप्रेस वे बना रहा है, फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, तो कंटेनर रिलेटेड जो कंटेनर स्टेशन है ये सब का बिजनेस का बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट आने वाला है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस और भी बढ़ रहा है। तो मेरे को जो लगता है ये जो टर्मिनल्स ओलकार टर्मिनल्स का बिजनेस बहुत ज्यादा, अब अगर इसका बैलेंस शीट भी देखोगे, मतलब इसका डिमर्ज होने के बाद अचानक से इतना सेल्स कैसे बढ़ गया मेरे को पता नहीं है। क्योंकि जास्ट डिमर्ज जो है इसका ऑलरेडी आरओसी 28 के आसपास है, और आप अगर ईयरली सेल्स देखोगे, लास्ट ईयर 128 करोड़ का सेल्स था इस जगह पे, आज 706 करोड़ का सेल्स है। तो और दूसरा चार्ट का क्या है, चार्ट का जस्ट एक बार बता देता हूँ। चार्ट का आप देखोगे ये जो हाई था उसको क्रॉस कर गया, उसको बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वो सस्टेन कर रहा है, ठीक है। वो मेरे को जो लगता है इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 47 तक इसका एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, अगर मार्केट करेक्शन होगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा ये लेने का। ये कंपनी का बिजनेस मेरे को अच्छा लग रहा है और इसका प्रोस्पेक्ट भी है, और ग्रुप भी बहुत अच्छा है ऑलकार्गो का। तो मेरे तो जितना बोलना था यही है, तो इसमें मेरे को मतलब इसमें एक चीज नेगेटिव है, इसको मतलब लोन जो है बहुत ज्यादा है, और बाकी तो उतना कुछ मेरे को इसमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। लोन ज्यादा है लेकिन इसने रिपेमेंट भी कर रहा है कुछ, मैंने जो देखा रिपेमेंट कंटिन्यूअसली कर रहा है। अगर ये चीज है रिपेमेंट का तो इसमें कोई मतलब टेंशन का बात नहीं है। तो मेरे को जो है बहुत अच्छा लग रहा है इसमें, आप लोगों को बहुत अच्छा तरह से पता होगा क्योंकि वेल नोन कंपनी है, आप लोग कुछ इनपुट देना है तो इसमें दे सकते हो। बोलो सर, किसी को कुछ इनपुट देना है? गोविंद जी आप हो, आप तो बहुत दिन से इस कंपनी के बारे में मेरे को बोल रहा था। ठीक है चलो, किसी के कुछ बताना नहीं है, मेरे को ये बिजनेस पर्सपेक्टिव ये कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये कंक्लूड कर रहा हूँ। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे को पूछ सकते हो, मैं क्योंकि और 5 मिनट में मैंने एक क्लोज करूंगा। दादा एक थोड़ा सुजलॉन एनर्जी थोड़ा सा बताइएगा। सुजना जी अभी बात करके क्या फायदा है, अभी तो 40-44 हो गया, ओके मैंने तो कितना 3 रुपीज में लिया था इसको, ओके थोड़ा सा उस टाइम से दिख रहा था, थोड़ा सा मतलब लोन कम हो रहा था इसको, थोड़ा चल रहा था मतलब एसेट बैचेस बेच के, मतलब जैसे मैं अभी जीबीके का कुछ दिन पहले डिस्कस नहीं किया था, तो जीबीके का अभी जैसे दिख रहा था मतलब एसेट सेल करके कंपनी को बचाने का कोशिश कर रहे हैं प्रमोटर, ये चीज दिख रहा था 3-4 साल पहले से, ठीक है। तो अभी उस जगह से बहुत ज्यादा रिकवर उसने कर लिया, समझे ना, अभी कंपनी प्रॉफिट में आ गया ऑलरेडी, मतलब सुजलन तो प्रॉफिट दिख रहा है, कोई कुछ क्वार्टर से प्रॉफिटेबल दे रहे हैं, उसने एसेट बहुत सारे सेल किया, बिजनेस को एक्चुअली लिटरली प्रमोटर बहुत मतलब वो करके बिजनेस को थोड़ा टर्न अराउंड कराया इसने, तो ठीक है। तो मेरे को 3 रुपये का लेवल पे मैंने थोड़ा बहुत क्वांटिटी लिया था, मतलब फुल क्वांटिटी भी नहीं है, मैं जनरली जितना लेता उसका 1/3 मतलब लिया था, 1/3 लिया था, और मैंने 6 रुपये में उसको बेच भी दिया था आधा, तो मेरे पास फ्री शेयर पड़ा है, तो उसका तो बहुत ज्यादा अभी मतलब 3 रुपये से भी ऑलमोस्ट 40 रुपीज है, तो बहुत ज्यादा अभी मेरा और एक मल्टीवेगर मतलब बन रहा है मेरा पोर्टफोलियो में हो, तो उसको मैं देखता नहीं, ऊपर आया फ्री शेयर, अभी तो कुछ स्कोप है क्या एंट्री का? नहीं अभी थोड़ा मेरे को जो लगता है एक बार 20 रुपीज को रिटेस्ट कर सकते हैं, अच्छा अगर करे तो बहुत अच्छा लकी हो गए, तो 20 रुपीज रिटेस्ट करे तो उस जगह पे एक लेने का स्कोप है, बाकी तो अभी लेके क्या फायदा है, 3 रुपये से भी ऑलमोस्ट 14-15 टाइम्स हो गया, तो उसमें कुछ फायदा नहीं अभी लेके। ठीक है दादा। चांस कम है। यस बैंक कुछ दिख रहा है आपको क्या? येस बैंक का मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, आपको मतलब
अब जिस टाइम पे 400 था उस टाइम पे जो मार्केट कैप था उससे भी ज्यादा है अभी मार्केट कैप। तो इतना बड़ा मार्केट कैप का कंपनी का क्या होगा, ऑलरेडी अप्रिसिएटेड ना इतना बड़ा मार्केट कैप अगर इसको मिल रहा है तो, ओके थैंक समझे ना। यू। मार्केट कैप देखो 50 40 50 हजार करोड़ का तो मार्केट कैप है उसका। यस मैं थोड़ा सा लिंक नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट कैप से। आप न कैसे लिंक कर रहे हो इसको अरे कोई दो कंपनी कंपनी। का मेनली क्या होता है, मार्केट कैप भी मेन होता है ना, कितना वैल्यूएशन मिल रहा है आपको मार्केट से। आप हाँ कोई कंपनी का सोच लो, देखो जैसे डिनोरा है, डिनोरा का कितना रुपया है अभी, 1800 1800 रुपया का है ना, 1800 रुपीज, लेकिन उसका करेक्ट मार्केट कैप क्या है, मार्केट कैप ओनली 900 करोड़ है, ओके मतलब नंबर ऑफ शेयर्स उसका कम है। और ओके मार्केट कैप मतलब कि कम है मतलब कि अभी भी उसको उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला हाँ इसका, भले ही आपको 10 रुपया दिख रहा है 20 रुपया दिख रहा है करेंट प्राइस, लेकिन मार्केट कैप 59,000 करोड़ है, मतलब इसका मतलब मार्केट में शेयर बहुत ज्यादा है ना इसका। आपको हाँ 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 थोड़ा ही प्राइस से कोई चीज होता है, आपको मेन मार्केट कैप कितना है उससे मेन वो होता है। ओके तो ये ऑलरेडी 50,000 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो इसमें 400 करोड़ जो 400 रुपीज था ना, तब भी इतना मार्केट कैप इसका नहीं था। ओके तो ये कंपनी का क्या है अप्रिसिएट आपको होगा, ये जितना ही मतलब, और ये अभी भी डिजेस्टर है यार। फ्री कैश फ्लो आपको इस साल में भी, आपको फ्री कैश फ्लो 20 -26 करोड़, मतलब कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं कर रहा है, उल्टा इसका कैश निकल रहा है, तो ये कंपनी तो डेंजरस है। फ्री कैश फ्लो कुछ है ही नहीं इसका, शायद धीरे धीरे घट रहा है दादा, बिकॉज टर्न अरे -27 अराउंड। करोड़ का, ये धीरे धीरे घटने का कोई बात नहीं है, ये नेट कैश फ्लो मतलब दिस इज फॉर दिस ईयर, जिसके नेट कैश फ्लो -27,000 करोड़ है, तो उसका क्या है उसको। और ऑलरेडी 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, कितना एप्रिसिएशन मिलेगा। मैं इस तरह का कंपनी में कभी नहीं पड़ता हूँ, मैं 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें आपको उसे जो मैं क्यों रिलायंस में नहीं पड़ूंगा, रिलायंस के 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, उसको ओके कितना हाँ एप्रिसिएशन होगा। आपको अगर 30 लाख करोड़ भी होगा ना, लोग बोलेगा चलो ऑल टाइम बहुत ज्यादा मार्केट कैप है। हाँ बीटीसी में अभी ऑलरेडी हम लोग 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, जब तक तब से बड़ा अभी 6 लाख करोड़ हो गया, अभी उससे आप कितना बढ़ेगा, अब हाँ समझो उस चीजों को। जो हाँ मार्केट जी कैप जिसका बहुत बड़ा है, उसको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन का चांस नहीं मिलता है, ओके वो धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको उससे मल्टीवेगर नहीं बनेगा, आपको मल्टीवेगर बनेगा जिसका छोटा मार्केट कैप होता है। मैं बहुत बार क्लास में, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो क्या इस क्लास, नहीं दादा तो आपको मैं हर क्लास में बोलता हूँ, जो छोटा ओके मार्केट का होता है उसका ग्रोथ स्कोप ज्यादा होता है। ओके अंडरस्टूड। दादा टेक्समो टेक्समो इन्फ्रा के बारे में कुछ बता सकते हो क्या आप? मैंने फॉलो नहीं कर रहा हूँ सर, आप स्टडी करके कुछ स्टडी किया तो बता सकते हो, शेयर कर सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मैं नहीं जिसको चार्ट में स्टडी नहीं काफी, किया, चार्ट में बहुत पॉजिटिव दिख रहे हो। देखो चार्ट में पॉजिटिव, मैंने तो अभी खड़ा खड़ा आपको 100 शेयर दिखा सकता हूँ जिसमें चार्ट में पॉजिटिव है, मतलब वो सब में इन्वेस्ट करना अच्छा है। मैंने जिसमें नहीं स्टडी नहीं किया उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं मैं, मार्केट उतना आसान नहीं है ठीक सर। है कोई भी 1,000 स्टॉक मेरे को पहले, मैं उसे चार्ट देख के इन्वेस्ट करता था, मैंने बहुत हाथ जला चुका हूँ उसमें। ठीक है दादा ठीक है। बोलिए और किसी को, ठीक है हेलो सर, हेलो चलिए हम बोलिए। सर, हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, आई वांट टू आस्क सम एसएमई स्टॉक्स, यूडिट सॉल्यूशन एंड बोंडाडा इंजीनियरिंग, हाउ आर दे सर? सॉरी आई वांट टू आस्क यू अबाउट एसएमई स्टॉक्स, हाँ एसएमई यूडिट सॉल्यूशंस वन स्टॉक हैव यू स्टडीड इट? एंड बोंडाडा इंजीनियरिंग। नो, हैव यू स्टडीड इट? हैव यू स्टडीड इस बिजनेस? एक्चुअली आई डो आई फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस नेम, सो हाउ कैन आई हेल्प यू? सो Because इफ स्टडीड इट I मीन्स यू आर इन got बुक। allotment in IPO, sir. I got allotment in IPO ओके about UDIT solutions. सॉरी आई डोंट नो अबाउट दिस कंपनी। And one more is Bondata Engineering, Also, I have not heard about this company. you have not heard those two names? Okay, Okay, sir. let's आज बहुत हो गया, अभी स्टॉप करते हैं।